मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएसपीसीएस। गाइस, मुझे एक बार प्लीज इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, बिकॉज आज की ये जो क्लास है इसमें थोड़ा सा इशू है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टीम आज नहीं है। आज टेक्निकल टीम के अभाव में मैं ही यहाँ पे टेक्निकली काम कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएसपीसीएस। गाइस, मुझे एक बार प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, बिकॉज आज की ये जो क्लास है इसमें थोड़ा सा इशू है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टीम आज नहीं है। आज टेक्निकल टीम के अभाव में मैं ही यहाँ पे टेक्निकली काम कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएसपीसीएस। गाइस, मुझे एक बार प्लीज़ इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, बिकॉज आज की जो क्लास है इसमें थोड़ा सा इशू है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टीम आज नहीं है। आज टेक्निकल टीम के अभाव में मैं ही यहाँ पे टेक्निकली काम कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है सभी का। देखिए, यहाँ पे टेक्निकल कुछ इशू है, उस टेक्निकल इशू की वजह से मैं अपनी क्लास प्रॉपर वे से अब तक स्टार्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज कोई भी ऑफिस में नहीं है, कोई स्टूडियो में नहीं है, खुद से मुझे सेटअप करना पड़ा। आज मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं ये सारा सिस्टम नहीं हैंडल कर सकती, बट आज मैंने एफर्ट किया एंड फाइनली मेरी आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद मेरी क्लास शुरू हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं पहली अपनी न्यूज़ को, ठीक है। सो पहली न्यूज़ क्या है, यूरिया गोल्ड से न्यूज़ है हमारी। यूरिया गोल्ड क्या है, हमने नीम कोटेड यूरिया के बारे में सुना था, सिंपल यूरिया के बारे में सुना था, उससे रिलेटेड लड़ाई के बारे में हम सुन चुके हैं, पर हमने अभी यूरिया गोल्ड के बारे में नहीं सुना था। यूरिया गोल्ड क्या है, एक नई अवधारणा है बेसिकली। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अब ये नई वैरायटी यूरिया की लॉन्च की है राजस्थान के सीकर जिले के अंदर, ठीक है। सो राजस्थान के सीकर जिले में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यूरिया गोल्ड, ठीक है, सो यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया और ये बेसिकली यहां पे नई वैरायटी है यूरिया की, ठीक है। सो राजस्थान के सीकर के अंदर एक यहाँ पे इवेंट हुआ था, उस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यूरिया गोल्ड को बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब ये यूरिया गोल्ड क्या है, याद रखना, जब जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है एग्रीकल्चर में, जैसे नीम कोटेड यूरिया जब आया तो उससे क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा था, पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो अब जो है ये जो यूरिया गोल्ड है, यूरिया गोल्ड की नई अवधारणा है, इसकी क्या खासियत है, तो सबसे पहली बात, जैसे नीम कोटेड यूरिया नीम की कोटिंग थी, ठीक है, सो नीम ऑयल की कोटिंग थी नीम कोटेड और यूरिया पे,
तो गोल्ड यूरिया पे क्या है, गोल्ड यूरिया पे सल्फर की कोटिंग है। किसकी कोटिंग है? सल्फर की कोटिंग है। सो ये सल्फर की कोटिंग से बेसिकली और ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, ठीक है। सो ये किससे डील करेगा? मिट्टी के अंदर जब सल्फर की कमी हो जाती है, सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस डेफिशिएंसी से मीट करने के लिए बेसिकली ये जो सल्फर युक्त नया यूरिया है, जिसे यूरिया गोल्ड कहा गया है, ये एफिशिएंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो मिट्टी के अंदर सल्फर की जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, दूसरा किसानों के लिए यहाँ पे कम कीमत पे, ठीक है। सो यहाँ पे कीमत, क्योंकि सल्फर की कमी में यहाँ पे एक्स्ट्रा और चीजें ऐड करनी पड़ती है किसानों को, इसीलिए यहाँ पे किसानों की लागत को भी कम करेगा, ठीक है। सो जो यूरिया गोल्ड है वो नीम कोटेड यूरिया से कई गुना ज्यादा बेहतर है, इकोनॉमिक टर्म में भी और एफिशिएंसी के हिसाब से भी, ठीक है। सो यहाँ पे कीमत के हिसाब से भी देखें और यहाँ पे उसके फायदों के हिसाब से भी देखें तो नीम कोटेड यूरिया से यूरिया गोल्ड ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि नीम कोटेड यूरिया के अलावा अब जो है यहाँ पे यूरिया गोल्ड भी, एक नया यूरिया यहाँ पे लाया गया है। ये करेगा क्या? ये बेसिकली सल्फर कोटिंग इसके ऊपर है, ठीक है। पहला पॉइंट कि सल्फर कोटिंग इसके ऊपर है और धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रेजुअली नाइट्रोजन को रिलीज करेगा मिट्टी के अंदर, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे नाइट्रोजन को छोड़ेगा और जो प्लांट है, किसान के जो पौधे हैं, वो धीरे धीरे इसको अवशोषित करेंगे, एब्जॉर्व करना शुरू करेंगे स्लो मोशन में, ठीक है। धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करेगा और ये फिर नाइट्रोजन जो है पौधों और जो खेत की फसल है, फसल के द्वारा अवशोषित किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली ह्यूमिक एसिड है यूरिया गोल्ड के अंदर, ठीक है। सो ह्यूमिक एसिड होने की वजह से ये फर्दर लाइफ स्पेन जो है इसका बढ़ा देगा। वेरी गुड मॉर्निंग माई ड्रीम्स लवासना, स्वागत है आपका क्लास में। तो ये ह्यूमिक एसिड होने की वजह से इसके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा देगा, इसके लाइफ को भी बढ़ा देगा, इसीलिए ये किसानों के लिए और ज्यादा इफेक्टिव है, और ज्यादा लाभकारी है। इनिशियल लेवल पे जैसे 15 किलो यूरिया गोल्ड, ठीक है। सो 15 किलो जो यूरिया गोल्ड है, यहाँ पे आप सोचो कि जो 20 किलो यहाँ पे कन्वेंशनल यूरिया, फॉर एग्जांपल कोई किसान 20 किलो यूरिया का इस्तेमाल करता है नॉर्मली, ठीक है। अब उसको 20 के बजाय ये 15 किलो यूरिया गोल्ड ही सफिशेंट होगा, ठीक है। 15 किलो यूरिया गोल्ड ही सफिशिएंट होगा, ये चीज याद रखिए। मतलब ज्यादा की बजाय क्वांटिटी में भी ये कम ही लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करेगा, धीरे धीरे जो है प्लांट इसको अवशोषित करेंगे, इसकी जड़ों में जाएगा और यहाँ पे फसल मजबूत होगी, ठीक है। सो याद रखिएगा 15 किलो यूरिया गोल्ड जो है सफिशियंट होगा एज कंपेयर टू जो नॉर्मल कंडीशन में 20 किलो फॉर एग्जाम्पल किसी किसान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल, ठीक है, जो ट्रेडिशनल यूरिया होता है, ठीक है, उसके बजाय ये यहाँ पे ओवरऑल फर्टिलाइजर जो है इसका कंजम्पशन कम है, ठीक है। ये इसकी कम जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है, ठीक है। सो इसीलिए किसानों के लिए ये यहाँ पे एक प्रकार का वरदान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट कॉस्ट कम है, एफिशिएंट है, नीम कोटेड यूरिया से भी ये ज्यादा बेहतर है, इसीलिए कन्वेंशनल फर्टिलाइजर के बजाय ये जो यूरिया गोल्ड है ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो नीम कोटेड यूरिया यहाँ पे क्या था, नीम कोटेड यूरिया बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर था, जहां पे उसको नीम ऑयल से कोट किया हुआ था, ठीक है, उसके चारों ओर नीम ऑयल से कोट किया हुआ था, जिसके लिए वो बेसिकली फसलों के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता था, ठीक है। और नीम कोटिंग क्या करता था, धीरे धीरे यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर रिलीज करता था, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक तो जब धीरे धीरे नाइट्रोजन जाएगा तो लीचिंग कम होगी, ठीक है, मिट्टी के अंदर कम जाएगा, जितना जरूरत होगी पौधे को केवल उतना ही नाइट्रोजन वो ले पाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका वॉलेटाइलाइजेशन भी कम होगा, ठीक है, और एफिशिएंट तरीके से प्लांट जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है बेसिकली नीम कोटिंग यूरिया में। यूरिया गोल्ड के अंदर एफिशिएंसी और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाई गई है, ठीक है। उसके अलावा किसानों को पर एकड़, ठीक है, सो यहाँ पे जो नीम कोटिंग यूरिया था वो भी कम यहाँ पे जरूरत होता था एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल नॉर्मल तरीके से यूरिया इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले में ये जो यूरिया है नीम कोटिंग यूरिया भी कम लगता था, ठीक है, और यूरिया गोल्ड भी यहाँ पे क्वांटिटी वाइज कम लगेगा,
यहाँ पे अगर 20 किलो डाल रहे हो तो 15 किलो ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली नाइट्रस, यहाँ पे जो एमिशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, ये भी कम होगा, ठीक है। सो मतलब नाइट्रोजन रिलीज होगा पर उससे जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है वो कम निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि नीम के अंदर, नीम ऑयल यहाँ पे, नीम कोटेड यूरिया पे नीम का तेल चिपका होता था, उसके अंदर पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, आप सभी को पता है। नीम यहाँ पे हेल्पफुल होता है, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब यहाँ पे गेहूं को स्टोर किया जाता है तो उसमें कुछ एक नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये बेसिकली उनमें जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं उनको होने से रोकता है और फसल या जो गेहूं है वो लंबे समय तक टिकती है, ठीक है। इसीलिए, और नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को कोई बुखार फीवर हो जाता है उसको भी हम नीम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर मेडिसिनल क्वालिटी होती है। सो जो नीम कोटेड यूरिया था उसके अंदर बेसिकली यहां पे पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी थी, इसलिए हेल्पफुल है। और उसके अलावा यहां पे जो यूरिया गोल्ड है वो भी अत्यधिक हेल्पफुल यहाँ पे बनाया गया है। मतलब पहले ट्रेडिशनल यूरिया, उसके बाद नीम कोटेड यूरिया, और उसके बाद हमने यूरिया गोल्ड की अब नई अवधारणा दी है जो नीम कोटेड यूरिया से भी ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगली न्यूज है हमारी मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहली बात कहाँ पे है? मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गोवा के अंदर है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस राज्य के अंदर है, ठीक है। सो मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गोवा के अंदर है। हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये जो मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके चारों ओर जो है 208 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 208 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के एरिया को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा, ठीक है। सो मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी अभी कहा है कि इसके आसपास का 208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया जाएगा, और बहुत जल्द 3 महीने के समय के अंदर यहाँ पे सरकार को घोषित करना होगा, ऐसा यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, ठीक है। सो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। सो हमारे लिए जानने के पॉइंट ये है कि मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या खासियत है, कहां पे है, किस राज्य में है, ठीक है। सो गोवा के उत्तर भाग में है, नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, और यहाँ पे बहुत सुंदर झरने भी है इस मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ठीक है। कई सारे सुंदर सुंदर वॉटरफॉल झरने इस सेंचुरी के चारों ओर दिखाई देते हैं, बाउंड्रीज पे दिखाई देते हैं, जिसमें से वज्रा सकला फॉल, ठीक है। सो यहाँ पे वज्रा सकला जलप्रपात, यहाँ पे वॉटरफॉल जो है ये दिखाई देता है, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही यहाँ पे पिक्चरस्क्यू नजारा होता है ये, ठीक है। विरदी जलप्रपात है, ठीक है, विरदी जलप्रपात इस मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार से जो रॉक है, ठीक है, जो रॉक है उस रॉक पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लुप्त प्राय, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड लॉन्ग वाइल्ड वल्चर, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो लॉन्ग वाइल्ड वल्चर होते हैं उन्होंने चोंच मार मार के अपने घोंसलों का निर्माण किया है, तो यहाँ से संकेत मिलते हैं कि ये मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लॉन्ग वाइल्ड वल्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखिए। उसके अलावा यहाँ पे वनस्पति की बात करते हैं मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पे सेक्रेट ग्रोव्स पाए जाते हैं। कोई कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकता है कि सेक्रेट ग्रोव्स किसको कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट 1973, बहुत बढ़िया श्रद्धा दास, तो बताइए क्या सेक्रेट ग्रोव्स किसको कहते हैं? सेक्रेट ग्रोव्स भारत के अंदर, आप सभी को पता है यहाँ पे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, और जो पेड़ हैं और स्पेशली जंगल है उनको कहा जाता है यहाँ पे पूजनीय, और उनकी पूजा भी की जाती है। और भारत में कुछ ऐसे जंगल, कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनको सेक्रेट ग्रोव्स हम कहते हैं, और लोगों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वो पूजनीय होते हैं, ठीक है। सो सेक्रेट ग्रोव्स भी इस मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे थिकली
फॉरेस्टेड एरिया है ये, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली पर्णपाती वनस्पतियां और सदाबहार वनस्पतियां, यहाँ पे सदाबहार वन जो है, यहाँ पे घने जंगल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। सो जंगलों से घिरा हुआ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो है सैक्रेड ग्रूव्स, ठीक है, सैक्रेड ग्रूव्स है। और स्पेशली सैक्रेड ग्रूव्स को यहाँ पे जैसे खेजड़ी का वृक्ष है, और जो बिश्नोई कम्युनिटी है, वो बिश्नोई कम्युनिटी क्या करती है, वो इन खेजड़ी के वृक्षों की पूजा करती है और इनको काटने से रोकती है। इन शॉर्ट मतलब इन पेड़ों की रक्षा की जाती है। जिन जिन पेड़ों को, जिन जिन जंगलों को सैक्रेड घोषित किया जाता है, पूजनीय घोषित किया जाता है, उन्हें वहां के जो इंडिजिनियस ट्राइब या लोग उनके आसपास रह रहे हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और एक प्रकार से देवी देवताओं के समान उनकी पूजा भी करते हैं। सो ये जो मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सैक्रेड ग्रूव्स है जिनको वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के द्वारा प्रोटेक्शन प्रदान की जाती है। इंडिजिनस ट्रीज जो है, इंडिजिनस पेड़ जो है, बेसिकली यहाँ पे स्वदेशी पेड़ जो है उनकी रक्षा करते हैं। फोना की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पे फोना जो है इंडियन गौर मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली पशुओं के फोना की अगर पशु की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन गौर, बार्किंग डियर, सांबर डियर, एशियन पाम सिवेट, स्मॉल इंडियन सिवेट, वाइल्ड वाइल्ड इंडियन हेयर बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे कई प्रकार के, भारत के अंदर जो सबसे जहरीले सांप भी है वो भी इस मदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। सो याद रखिएगा, अगर भारत के अंदर चार सबसे जहरीले सांप, क्योंकि मैं बात करूं तो उनमें से इंडियन ग्रेट की जो प्रजाति है सांपों की, ये सबसे ज्यादा खतरनाक रहती है, ये जहरीले सांप होते हैं, रसेल वाइपर, सौ स्केल्ड वाइपर और स्पेक्टिकल्ड कोबरा, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेक्टिकल्ड कोबरा, सौ स्केल्ड वाइपर और साथ ही साथ रसेल वाइपर और भारतीय करैत यहाँ पे सांपों की प्रजाति है, जो जहरीले सांप है वो यहाँ पे मदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। अगली जो न्यूज है वो है यहाँ पे ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित हुई है अभी फूड क्राइसिस के ऊपर, ठीक है। 2023 की ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित हुई है किसके ऊपर, फूड क्राइसिस के ऊपर। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा कि कोविड के बाद, ठीक है, सो कोरोना के बाद बेसिकली दुनिया में ये जो खाद्य सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, ठीक है। सो लोग भुखमरी के शिकार ज्यादा हुए हैं। 2023 के अंदर ये जो रिपोर्ट आई इसमें कहा गया कि लोग जो है भुखमरी के शिकार ज्यादा आ रहे हैं और लोगों के पास खाने के संसाधन कम हैं, और कहा गया कि 691 मिलियन से लेके 783 मिलियन के आसपास दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। और 2019-20 में, ठीक है, 19 के एंड में, और यहाँ पे स्पेशली 2020 के अंदर पेंडेमिक फैल गया था कोविड-19 की सिचुएशन के बाद से दुनिया के अंदर भुखमरी ज्यादा फैली है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया। 2019 के आंकड़ों और 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये पता चलता है कि दुनिया के लोग जो है यहाँ पे भुखमरी का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। तो हम फूड सिक्योरिटी किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो वर्ल्ड फूड समिट 1996 के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, ठीक है। सो फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की एक परिभाषा वर्ल्ड फूड समिट 1996 के अंदर दी गई थी। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी किसको कहेंगे, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा किसको कहेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को हर प्रकार से, ठीक है, हर प्रकार से हर समय सफिशिएंट खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, एक न्यूट्रिशियस डाइट उपलब्ध हो, तो उस सिचुएशन में हम फूड सिक्योरिटी यहां पे कहते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति के पास हर समय हर टाइम पे जो न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है, न्यूट्रिशियस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से, फिजिकल तरीके से,
खाने का सामान यहाँ पे पौष्टिक भोजन की उपलब्धता यदि हर समय किसी व्यक्ति के पास है तो उसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, सो यही बात कहता है कि जब किसी व्यक्ति के पास हर समय फिजिकल और इकोनॉमिक तरीके से सफिशिएंट तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड पौष्टिक भोजन की उपलब्धता हो और ये हमारे बेसिकली यहाँ पे हमारे जीवन के लिए हेल्दी लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो उसको हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी। ठीक है, सो खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी इसको कहा जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा। इस रिपोर्ट ने यह कहा कि 2020 के अंदर यहां पे जब कोविड दुनिया के अंदर फैला उसके बाद से यहां पे दुनिया अंडर नरिशमेंट का शिकार हो रही है। ठीक है, मतलब लोगों के अंदर पौष्टिक भोजन के यहाँ पे उपलब्धता कम हुई है और लोग जो है यहाँ पे अंडर नरिशमेंट की ओर आगे जा रहे हैं और स्पेशली दुनिया के जो बच्चे हैं वो अंडर नरिशमेंट का शिकार हो रहे हैं, अंडर नरिश बच्चे हो रहे हैं, यहाँ पे लैक ऑफ नरिशमेंट बच्चों के अंदर है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग, ठीक है, स्टंटिंग और वेस्टिंग के केसेस कम हुए हैं भारत के अंदर। स्टंटिंग और वेस्टिंग के जो केस थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पाए जाते थे। भारत सरकार के द्वारा कई सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए जिससे बच्चों के अंदर ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या थी अब जाके वो कम हुई है। भारत सरकार के कई सारे आंकड़े यहाँ पे, भारत सरकार ने यहाँ पे टारगेट्स रखे थे जिसके तहत हमें अभी आंकड़े मिले हैं कि दुनिया के अंदर स्टंटिंग और वेस्टिंग अब कम हो रही है। स्टंटिंग और वेस्टिंग है होती क्या है? स्टंटिंग और वेस्टिंग होती है कि उम्र के हिसाब से हाइट का कम होना और वजन का बढ़ना। ठीक है, सो यहां पे उम्र के हिसाब से हाइट का कम होना और वजन का कम या बड़ी यहां पे कम होना, एक्चुअली वेस्टिंग इज कम होना, वजन का कम होना। ठीक है, सो एज के अनुसार बच्चे की सही ग्रोथ ना होना, उसकी सही हाइट ना होना, उसका सही वेट ना होना स्टंटिंग और वेस्टिंग कहलाता है। अब इसके केसेस हालांकि कम हुए हैं क्योंकि कई सालों से सरकारों के द्वारा इस पे काम हो रहा है, पर यहां पे देखने योग्य बात यह है कि इस रिपोर्ट में एक पॉइंट हाईलाइट किया गया कि बच्चों के अंदर यहां पे न्यूट्रिशन की कमी है जिसके चलते बच्चे जो है ओबेसिटी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ओबेसिटी और यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट तरीके से बच्चों का जो वजन है वो बढ़ रहा है। आजकल यहाँ पे बच्चे जो है ओबेसिटी मोटापे का शिकार हो रहे हैं ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया। ठीक है, सो अब जो है यहाँ पे बेसिकली या 3 बिलियन लोग, ठीक है, सो दुनिया के अंदर 3 बिलियन लोग जो है यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हेल्दी डाइट, इस रिपोर्ट में कहा गया। उसके अलावा बेसिकली कहा गया कि हेल्दी डाइट आज के समय पे महंगाई के बढ़ने की वजह से ग्लोबल स्तर पे जो एक हेल्दी डाइट होती है उसकी कीमत बढ़ गई है, लागत बढ़ गई है, इसीलिए लोगों के द्वारा इसको अफोर्ड नहीं किया गया है। बात करते हैं शहरी और ग्रामीण भारत के अंदर कंपेरिजन की, तो यदि हम बात करते हैं रूरल एरिया की, पेरी अर्बन एरिया की और अर्बन एरिया की, ठीक है, सो यहां पे अगर हम बात करते हैं ग्रामीण एरिया की, अर्ध शहरी एरिया की और शहरी एरिया के अंदर आबादी की के अंदर खाद्य सुरक्षा कितनी है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यहां पे ग्रामीण और शहरी दुनिया के अंदर यहां पे शहरों के अंदर फूड इनसिक्योरिटी कम है एज कंपेयर टू रूरल कंट्रीज। ठीक है, सो यहां पे ग्रामीण के जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव की आबादी है, वहां पे भूखमरी ज्यादा देखने को मिलती है अगर हम कंपैरिजन करते हैं शहरी आबादी के साथ में। ठीक है, सो शहरी अर्ध शहरी और ग्रामीण अर्ध शहरी और शहरी आबादी की तुलना में शहरी एरिया में खाद्य असुरक्षा यहाँ पे कम है और ग्रामीण भारत में ज्यादा है। 2030 के अंदर यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले 2030 तक ये जो कुपोषित बच्चे हैं ये और ज्यादा
संख्या बढ़ने की आशंका है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ पीपल जो अभी के समय पे कुपोषित है, अंडर नरिश्ड है, वो 2030 तक यहाँ पे अगर यही चीजें चलती रही तो यहाँ बेसिकली कुपोषित लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके कारण क्या है, क्या क्या रीजन है, देखो 2019 के मुकाबले 2023 के अंदर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के काल में लोगों की जॉब छिन गई, नौकरियां छिन गई, जिससे लोगों की आमदनी यहाँ पे कम हो गई, इनकम कम हो गई। और उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन वॉर की वजह से भी यहाँ पे एक क्राइसिस देखने को मिला है, महंगाई दुनिया के अंदर बढ़ी है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट कि एक तो नौकरी छिन गई, दूसरा इनकम घट गई, तीसरा उसकी लागत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये कारण है यहाँ पे 2023 के अंदर बेसिकली खाद्य सुरक्षा कम होने की वजह से, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि इन सभी कारणों की वजह से बेसिकली लोगों तक ये जो खाद्य सुरक्षा है ये नहीं पहुंच पाती है। और एक कारण और मुझे आप लोगों को बताना, ठीक है। एक और कारण क्या है, एक और कारण यह है कि सरकारों के द्वारा सही तरीके से नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता है, सरकार के द्वारा सही पॉलिसी का निर्माण नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमने श्रीलंका के अंदर एक सिचुएशन देखी कि एक्सपोनेंशियल तरीके से महंगाई बढ़ गई। सो यहाँ पे आटा चावल दाल की कीमतें भी यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई दी हमें श्रीलंका के अंदर। तो सरकारों के द्वारा कोविड के बाद यहाँ पे सही तरीके से नीतियों का निर्माण ना करना भी दुनिया के अंदर भुखमरी को बढ़ावा दे रहा है, यहाँ पे बढ़ती महंगाई और खाद्य असुरक्षा जो है दुनिया के सामने एक विकराल रूप ले सकती है। दुनिया के अंदर यहाँ पे कुपोषित जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि कीमत न्यूट्रिएंट बेसिकली न्यूट्रिशियस डाइट यहाँ पे लोगों की पहुंच से दूर है, यहाँ पे कारण ये सारे आपके सामने है, ठीक है। सो उसके अलावा याद रखिए कि कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं। रिपोर्ट ने हमारे सामने चुनौतियां तो पेश कर दी, यहाँ पे बता तो दिया कि ये कमियां हैं, इनको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, दूर कैसे कर सकते हैं, इसके समाधान क्या है। सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी वल्नरेबल पॉपुलेशन की कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन पीड़ित है, तो कहां सरकार को सबसे पहले एफर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले सरकारों को पहचान करनी होगी वल्नरेबल पॉपुलेशन की, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए वल्नरेबल पॉपुलेशन को, उसके बाद यहाँ पे आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के द्वारा एक्शन कीजिए और इस टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए नीतियों का निर्माण कीजिए, पॉलिसीज प्रोग्राम चलाइए, यहाँ पे कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार को इफेक्टिव तरीके से वल्नरेबल सेक्शन को पहचानना होगा और उनके लिए नीतियों का निर्माण करना होगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सरकारों को ध्यान देना होगा न्यूट्रिशन के ऊपर और न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी बनाना होगा सरकारों को। जब भी यहाँ पे सरकार नीतियों का निर्माण करे तो उसमें न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार जब नीतियों का निर्माण करे तो सिविल सोसाइटी जो लोकल लोग होते हैं उनको भी साथ में लेके चले और साथ में प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट रखे। तो मतलब समाज का हर तबका जब एक साथ खड़ा होके यहाँ पे लड़ेगा तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव तरीके से नीतियां लागू भी होंगी और ये जो खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है ये कम भी होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली लोगों के अंदर हेल्दी डाइट, क्योंकि हमने देखा कि बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, इसीलिए हमें लोगों के अंदर हेल्दी डाइट के प्रति जागरूकता लानी होगी, इसके लिए भी सरकारों को यहाँ पे एफर्ट करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली ऐसी दुकानें खोलनी होंगी, ठीक है, ऐसी दुकानें खोलनी होगी और उन दुकानों को इंसेंटिव प्रदान करने होंगे। और कैसी दुकानें, जो यहाँ पे ताजी और कम कीमतों पे सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो अवेलेबल करवाएं, हेल्दी डाइट अवेलेबल करवाएं, ऐसी दुकानें जो है समाज के अंदर खोलनी होगी और सरकार को इन्हें प्रोत्साहन देना होगा, इंसेंटिव प्रदान करने होंगे, तो जाके बेसिकली ये जो समस्या है इससे हम
निपट सकते हैं। याद रखिए, एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे कई प्रकार की बीमारियां हमारे आने वाली जो जनसंख्या है, स्पेशली हम अगर बच्चों की बात करते हैं जो यहाँ पे पहले स्टंटिंग, वेस्टिंग, उसके बाद अंडर नरिशमेंट और अब जो है ओबेसिटी जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं हेल्दी डाइट से पूरी की जा सकती हैं। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे बेसिकली स्ट्रीट फूड, ठीक है, सो स्ट्रीट फूड का जो कल्चर दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, उस स्ट्रीट फूड के अंदर हेल्दी फूड, न्यूट्रिशनल फूड की जो का प्रचलन जो है वो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, ऐसा सरकार को एफर्ट करना चाहिए। ग्रामीण भारत में हमने देखा जहाँ कहा गया कि खाद्य असुरक्षा बढ़ी हुई है और इस यहाँ पे गाँव के अंदर हमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा ताकि यहाँ पे मंडियों से डायरेक्ट खेतों तक की कनेक्टिविटी की जा सके। ठीक है, सो हमें बेसिकली रूरल के एरियाज के अंदर, ग्रामीण आबादी के अंदर, ग्रामीण एरियाज के अंदर सड़कों का निर्माण करना होगा, कनेक्टिविटी बढ़िया करनी होगी, ताकि देखो पेरिशेबल चीजें होती है, बहुत जल्दी फल और सब्जियां खराब हो जाती है, अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, सड़कों का निर्माण बढ़िया होगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे खराब सब्जी और फल खराब होने से पहले मंडियों तक पहुंच जाएंगी और मंडियों तक पहुंचेगी तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। इसीलिए सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि गांव के अंदर कनेक्टिविटी बढ़िया हो, खेतों से मंडियों तक का ये जो रास्ता है पक्का रास्ता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सरकार को प्रॉपर वे से छोटे किसानों के यहाँ पे उनको बेसिकली हर तरीके से सहायता प्रदान करनी होगी और छोटे किसानों के अंदर यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, यहाँ पे भावना जगानी होगी ताकि ये जो छोटे किसान है ये एफिशिएंट तरीके से फल और सब्जियों की खेती कर सके, एक इनकी आमदनी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली ये हमारी जो नीड्स है उनको भी फुलफिल कर पाएंगे। सरकार को इनके लिए यहाँ पे वेयर हाउसेस का निर्माण करना होगा, फिर से सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे और इन कोल्ड स्टोरेजेस को यहाँ पे बिजली युक्त करना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए और साथ ही साथ इनको डिजिटल टूल प्रदान करने चाहिए ताकि फल और सब्जियां जो एक जगह पड़ी पड़ी सड़ जाती है, लोगों तक नहीं पहुंचती है, सो उस चीज को हम कम कर सके। ठीक है, सो हमें बेसिकली एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी जिसमें समाज का हर तबका यहाँ पे सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अपना अपना रोल प्ले करे, तो ये जो समस्या है इसको आसानी से भारत निपट सकता है। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत में यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ये लोग बेसिकली याद रखिए भारत की खाद्य सुरक्षा, ठीक है, सो याद रखो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था, ये जय जवान जय किसान का नारा ऐसे ही नहीं दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सरकारों के द्वारा एफर्ट किए जाने चाहिए कि छोटे से लेके बड़ा किसान यहाँ पे हर तरीके से भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प करे और फूड सिक्योरिटी सरकार के एफर्ट्स के बिना संभव नहीं है। जब तक सरकार यहाँ पे सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं करेगा तब तक लोग जो है यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे और ये खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएं भारत के सामने बार बार या दुनिया के सामने बार बार आती रहेंगी। अगर मैं बात करूं भारत की तो 1962 के बाद से यहाँ पे भारत ने फूड सिक्योरिटी में काम तो बेहतर किया है, पर अब हमें न्यूट्रिशनल डाइट लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए प्रयास करने होंगे, एफर्ट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना होगा, तो जब भी सरकार कोई नीति का निर्माण करे, जब भी सरकार किसी पॉलिसी का निर्माण करे, तो वहां पे लोकल लोगों का, जो वहां पे स्थानीय सरकारें हैं, पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, उनको इन्वॉल्व करे। ठीक है, सो लोकल स्टेक होल्डर्स को जब सरकारें यहाँ पे बेसिकली एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगी तो यहाँ पे हम हेल्दी डाइट लोगों को यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। तो बात समझ आ गई है। चलिए अगली जो न्यूज है वो है ट्राउट फार्मिंग। ट्राउट क्या होता है भाई? ट्राउट फार्मिंग कोई बता सकता है क्या? ट्राउट फार्मिंग क्या होता है? अंश यादव स्वागत है आपका, एक बार बताइए यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग क्या होता है? ट्राउट फार्मिंग क्या होता है भाई? ट्राउट मछली होती है, ठीक है। ट्राउट क्या है? ट्राउट एक मछली है। जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राउट
जो मछली है उसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। सो ये जो ट्राउट खेती है बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर की जाती है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनिशियली 1900 के समय पे, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियली 1900 के समय पे ही यहाँ इस खेती का प्रचलन शुरू हो गया था। ट्राउट एक प्रकार की मछली है, और कश्मीर के अंदर आज के समय पे जो लोग हैं इसको अपनी नॉर्मल डाइट के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो वैली के अंदर, घाटी के अंदर, हर मेन्यू के अंदर आपको ये ट्राउट मछली से बने हुए जो फूड्स हैं वो दिखाई देंगे। और यहाँ पे किसान जो है जो ट्राउट खेती के अंदर इन्वॉल्व है वो आज के समय पे बेसिकली यहाँ पे ज्यादा दिखाई देंगे। ना केवल किसान बल्कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए ट्राउट फार्मिंग, ट्राउट खेती के अंदर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे छोटे किसान बेसिकली ट्राउट फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, ट्राउट यानी कि मछली, इस मछली पालन के उद्योग के अंदर शामिल थे। पर उसके बाद यहाँ पे आज के समय पे ऐसे युवा, ऐसे पढ़े लिखे युवा जिनके पास रोजगार नहीं है वो भी इस सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली घाटी के अंदर यहाँ पे जो ट्राउट फार्मर्स है उनकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट की अपार संभावनाओं को देखते हुए जो जिन पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं है उन लोगों को यहाँ पे रोजगार के रूप में ये जो ट्राउट खेती है यहाँ पे सुनहरे अवसर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ट्राउट फार्मिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ट्राउट बेसिकली यहाँ पे जो मछली है ना केवल कश्मीर में बल्कि यूरोप के अंदर भी ये फेमस है। यूरोप के अंदर भी सेम एनवायरमेंट, सेम कल्चर, सेम जो वेदर है वैसी कंडीशन पाई जाती है, और यूरोप में भी ट्राउट फिशिंग का कार्य होता है, ठीक है। सो अब जो है क्योंकि इसकी डिमांड यूरोप में भी है इसीलिए लोग जो है यहाँ पे खेती के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो फार्मर्स हैं मछली पालन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि एक तो लोकल डिमांड ज्यादा है, दूसरा ग्लोबल डिमांड भी इसकी ज्यादा है, यूरोप के अंदर भी इसकी डिमांड ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए युवा वर्ग भी इसमें शामिल हो रहा है। तो यहाँ सरकार जो है बेसिकली सरकार के द्वारा भी इस खेती को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार हेल्प कर रही है, सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो ताकि यहाँ पे जो किसान है किसी भी प्रकार की उनको फाइनेंशियल हेल्प की जब जरूरत हो तो सरकार उन्हें यहाँ पे सब्सिडी प्रदान करे ताकि किसान यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल से ये जो मछली पालन का उद्योग इनके द्वारा शुरू किया गया है ये सही तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट इसका कर सके, निर्यात इसका कर सके, लोकल डिमांड को पूरा कर सके और साथ ही साथ ग्लोबल जो डिमांड है उसको भी पूरा कर सके। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक समस्या भी है। समस्या ये है कि ये जो ट्राउट फार्मिंग है ये केवल और केवल कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही, कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही हो सकती है। इस इंडस्ट्री के क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो मछली उद्योग है ये अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे क्लीन वेदर के समय पे ही ये मछली जो है सही तरीके से बेसिकली प्रोड्यूस जा सकती है। इसको यहाँ पे क्लीन वेदर चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही बेसिकली ये हो पाएगी, ठीक है। सो याद रखिएगा सरकार यहाँ पे इस प्रकार के क्लाइमेट चेंज और जो भी समस्याएं इस खेती के सामने आ रही है उससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा RAS रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम भी बेसिकली किसानों को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा ट्राउट फिशिंग यदि पूछ लिया जाए तो ट्राउट क्या है, एक मछली है, और कहां पे इसका प्रचलन बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर इसका प्रचलन बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको कुछ समस्याएं हो रही हैं क्योंकि इसको ये जो मछली है केवल कुछ एक टेम्परेचर पे ही, कुछ एक एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर ही प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने यहाँ पे बेसिकली कुछ इंसेंटिव्स भी प्रदान किए हैं जिसके द्वारा रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर
सिस्टम को सरकार के द्वारा किसानों को दिया गया है। साथ ही सरकार किसानों को सहयोग करने के लिए सब्सिडी भी ट्राउट फार्मिंग के लिए किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो है भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ठीक है, सो याद रखिएगा, कैनबिस जिसको बेसिकली भांग हम कहते हैं, तो यहाँ पे जम्मू के अंदर भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा। CSIR और IIM के सहयोग से भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा। ठीक है, सो ये जो परियोजना है बेसिकली इसका उद्देश्य है कि कैनबिस के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उनको सही तरीके से हार्नेस करना और इस कैनबिस से यहाँ पे बेसिकली कैंसर के लिए एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी की बीमारी होती है उससे निपटने के लिए यहाँ पे इस कैनबिस से यहाँ पे दवाइयां बनाई जाएंगी। और ये जो है भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है जो जम्मू के अंदर लगाया जाएगा। CSIR और IIM के सहयोग से बेसिकली यहाँ पे लगाएंगे और साथ में यहाँ पे एक कैनेडियन फर्म भी है, तो PPP मॉडल पे इसका निर्माण जो है जम्मू के अंदर किया जा रहा है। साथ ही साथ कैनबिस का उपयोग भारत के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पे बेसिकली ड्रग के रूप में करते हैं। सो यहाँ पे पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर इस कैनबिस का इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं, नशे के रूप में कैनबिस को खाते हैं लोग, पर भारत के अंदर इसका इस प्रकार का सेवन वैध नहीं है, इलीगल है। पर इस कैनबिस से बनाई गई जो दवाइयां हैं वो बेसिकली इलीगल है, क्योंकि इससे जो दवाइयां बनाई जाती हैं वो कई प्रकार के जो बीमारियां होती हैं उनसे निपटने के लिए सहयोगी होती हैं। ठीक है, सो भारत के अंदर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो मसल्स पेन होते हैं, नौसिया होता है, उसके अलावा एपिलेप्सी, मिर्गी की समस्याएं होती है, कैंसर की बीमारियां होती है, उन सभी से निपटने के लिए इस कैनबिस के सहयोग से दवाइयां तैयार की जाएंगी। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। सो यदि यहाँ पे CSIR और IIM मिलके बेसिकली इस प्रकार की कोई भी ड्रग तैयार कर पाएंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर बेसिकली जो CSIR और IIM का ये जो प्रोजेक्ट है इससे इसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बेसिकली कई सारी यहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज और भी होंगी और इसको बढ़ावा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, सो याद रखिएगा, कैनबिस के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, इसके बेसिकली यहाँ पे चिकित्सीय गुणों को भुनाने के लिए कई सारे रिसर्च, कई सारे प्रोजेक्ट जो है कैनबिस के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, सो जम्मू कश्मीर के अंदर इसके ऊपर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज के लिए कि जहां पे हम कैनबिस जैसे जो यहाँ पे नशीले पदार्थ होते हैं उनसे हम दवाइयां बना पाए, तो इसीलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्थ इंडिया के अंदर यहाँ पे बेसिकली कैनबिस की खेती होती है और इसका यहाँ पे ड्रग के रूप में, नशीली दवाइयों के रूप में लोग सेवन भी करते हैं, जो भारत के अंदर बैन भी है। तो इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हार्नेस करने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है भारत के अंदर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा, सो इसके भारत के अंदर यहाँ पे नशीली दवाइयों के रूप में इसका सेवन प्रोहिबिट है, बट दवाई के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। अगली न्यूज है यहाँ पे सिल्वर कॉक्सकॉम्ब क्या है, ये जो घास आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो घास आपको दिखाई दे रही है इसी को कहते हैं सिल्वर कॉक्सकॉम्ब। ठीक है, सो इसी को कहा जाता है सिल्वर कॉक्सकॉम्ब। यहाँ पे सोलिगा ट्राइब, ठीक है, सो सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी इस सिल्वर कॉक्सकॉम्ब का इस्तेमाल करती है, सेवन करती है। हालांकि ये एक प्रकार का बेसिकली खरपतवार है, फसलों के साथ जो यहाँ पे वीड उत्पन्न हो जाते हैं जिसको हम दवाइयों से मारते भी हैं, यहाँ पे वीड है, एक प्रकार का खरपतवार है जिसको सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा खाया जाता है। क्यों खाते हैं ये लोग, क्योंकि इस वीड के अंदर, इस सिल्वर कॉक्सकॉम्ब के अंदर बेसिकली कई सारे यहाँ पे बेनिफिशियल चीजें भी है, ये है
हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके अंदर कई सारे यहाँ पे विटामिन, यहाँ पे बेसिकली कैल्शियम, आयरन, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन के गुण जो है इस सिल्वर कोक्सकॉम के अंदर पाए जाते हैं, और आंखों से संबंधित बीमारियों से बेसिकली निपटने के लिए इस सिल्वर कोक्सकॉम का लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते हैं। सो यहाँ पे अल्सर जैसी बीमारियों से, आंखों की बीमारियों से निपटने के लिए कई चाइनीज, जो ट्रेडिशनल चाइनीज और इंडियन मेडिसिन के ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, उपचार के तरीके होते हैं, उसमें इस सिल्वर कोक्सकॉम का इस्तेमाल करते हैं लोग। यहाँ पे आंखों और अल्सर जैसी बीमारियों से निपटने के लिए सिल्वर कोक्सकॉम का सेवन करते हैं। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिलोसिया अर्जेंटिया कुरडू, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मराठी का नाम है इसका, ठीक है। सो इस पौधे को, सिल्वर कोक्सकॉम को, सेलेसिया अर्जेंटिया या फिर कुरडू मराठी भाषा में, पनाई किराई इसे तमिल भाषा में कहा जाता है। तो इसको कई सारे नामों में, नामों इसके जो कई सारे नाम है वो प्रचलित है, अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। सो ये जो है, यहाँ पे जो खाली पड़ी भूमि है वहां पे भी ये पैदा हो सकती है, जहां पे ड्रॉट लाइक कंडीशन है, सूखा पड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी ये पैदा हो सकता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड कम होता है और फाइटिक एसिड भी कम होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, बीटा कैरेटीन की अधिकता होने की वजह से इस वीड के अंदर कई सारे यहाँ पे बेसिकली मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। ये जो छोटा पौधा होता है, ये छोटा सा होता है, 50 से 60 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। घुंघराला होता है, कहीं कहीं पे पिंकिश और कहीं कहीं पे सफेद फूल इसके अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, चामराजा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पे सिल्वर कोक्सकॉम बेसिकली एन्ने सोपू के नाम से जाना जाता है, और ये जैसे पालक होती है, जैसे चुकंदर होता है, किनोवा होता है, सेम वे से बेसिकली यहाँ पे ये सिल्वर कोक्सकॉम भी होता है, जो सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा कर्नाटका के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। अब सोलिगा ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। ये जो सोलिगा ट्राइब है, ये जो सोलिगा कम्युनिटी है, ये कर्नाटका की इंडिजिनस ट्राइब है, ठीक है। सो ये कर्नाटका की इंडिजिनस ट्राइब है, और कर्नाटका के अंदर बेसिकली बिलिगिरी रंगना हिल्स और माले मदेश्वरा और चामराजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली ये ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। सो सोलिगा ट्राइब कर्नाटका के अंदर रहती है, और एक चीज के लिए और याद रखिएगा, ये जो सोलिगा ट्राइब है, इसको परमिशन मिली है बेसिकली टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंदर रहने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पहले ट्राइब है सोलिगा ट्राइब, जिसको ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा अधिकार मिला है कि ये टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंदर रह सकती है, और को ऑफिशियली इसके फॉरेस्ट राइट मिले हुए हैं इस सोलिगा ट्राइब को। तो याद रखिएगा, सोलिगा ट्राइब इंडिजिनस ट्राइब है कर्नाटका की, बिलगिरी रंगना हिल्स और माले महादेश्वरा और यहाँ पे चामराजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली ये ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, और टाइगर रिजर्व के अंदर, टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वहां पे ऑफिशियली इसको रहने की परमिशन मिली है, फॉरेस्ट अधिकार यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इन्हें प्रदान किए गए हैं। अगली न्यूज किससे संबंधित है? अगली न्यूज है यहाँ पे अभी 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को तिलक साहब का, सो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन था, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म दिवस था बेसिकली हमारे स्वतंत्रता, दो महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिन था, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिब्यूट यहाँ पे बेसिकली अपना शत शत नमन जो है यहाँ पे भारत के इन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान किया, इनके जन्म दिवस बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है। सो याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बाल गंगाधर तिलक के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे ट्वीट भी किया और कहा कि यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का जो रोल था वो इंपॉर्टेंट था भारत के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली तो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे अपना इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत के यहाँ पे वीर सपूत
स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के लाल, इनको बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। तो बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है। सो मृत्यु इनकी 1 अगस्त 1920 को होती है। सो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1 अगस्त 1920 मुंबई में इनकी मृत्यु होती है और इसी डेथ एनिवर्सरी के समय पे और इस बार जो है 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी को तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। सो तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी को। सो 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी 1920 में मुंबई के अंदर, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम जाने तो याद रखिएगा कि महान स्कॉलर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और यहाँ पे बेसिकली भारत के यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल प्ले करने वाले बाल गंगाधर तिलक जो है अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जो है यहाँ पे एग्रेसिव तरीके से बेसिकली उनसे लोहा लेते थे, ठीक है। सो यहाँ पे एग्रेसिव नीतियां थी बाल गंगाधर तिलक की और इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। सो गणितज्ञ थे, फिलोसोफर थे, महिलाओं के लिए काम करते थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली प्रयासरत रहते थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली इनका एक फेमस स्लोगन भी है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। सो भारतीय अशांति का जनक जो है अंग्रेजों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था, ठीक है। सो याद रखिएगा इनके द्वारा कई सारे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना भी की गई जिसमें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के अंदर इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, गोपाल गणेश अगरकर और अन्य सहयोगियों के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई, साथ में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 में इनके द्वारा की गई थी पुणे के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए इनके द्वारा कई सारे काम किए गए हैं। आइडियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मॉडरेट व्यूज के अलावा यहाँ पे बेसिकली इनके द्वारा पहली बार जो है सेल्फ रूल की मांग की गई, इनके द्वारा डिमांड की गई यहाँ पे बेसिकली कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, बेसिकली हमें यहाँ पे स्वशासन की मांग यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। सो बाल गंगाधर तिलक बेसिकली यहाँ पे अपने जो एग्रेसिव नीतियां थी उनके लिए जाने जाते हैं और उसके अलावा बेसिकली इन्होंने सरकार के यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो संवैधानिक तरीके से भारत का आजादी का जो आंदोलन था वो चलाया जा रहा था उसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने कहा कि बेसिकली आप यहाँ पे अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन चलाएंगे तो अंग्रेजों के सिर पे जू भी नहीं रेंगेगी और आपको इनकी जो दमनकारी नीतियां होती हैं उनके अगेंस्ट आपको भी उतने ही एग्रेशन से, उतने ही दमनकारी नीतियों से इनका जो है आपको भी जवाब देना होगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। सो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सशस्त्र विद्रोह की मांग की और इनकी नीतियों में बेसिकली यहां पे एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। सो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस दौरान जो है तिलक के द्वारा पूरे देश के अंदर स्वदेशी की भावना को जगाया गया, पूरे देश के अंदर यहां पे स्वदेशी, ठीक है। सो यहां पे स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशीता की जो भावना है भारत के अंदर, भारतीय होने की जो भावना है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जगाई गई थी, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे एक्सट्रीमिस्ट नीतियां थी जिसका कई जगह पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा विरोध भी किया गया। तो यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बाल गंगाधर तिलक की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज थी उनका एट टाइम्स विरोध भी करती थी, ठीक है। सो लेटर ऑन बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में यहां पे भारत के लिए, यहां पे भारत में स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए इनके द्वारा
एफर्ट्स किए गए, इनके द्वारा प्रयास जो है वो किए गए, ठीक है। सो इन्होंने भारत के लोगों के अंदर, आप सभी को पता है भारत जो है अपने धर्म को कितने दिल से मानते हैं और बेसिकली रिलीजियस कम्युनिटी है भारत के अंदर, तो इन्होंने धर्मों का इस्तेमाल करते करके भारत के लोगों को एकजुट लाने का प्रयास किया, ताकि भारत के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनको भारतीय होने का एहसास करवाया जाए। तो इनके द्वारा कई सारे उत्सव जो है शुरू किए गए, जिसमें सो यहाँ पे गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाती है, ठीक है। तो इन्होंने भारतीयों के बीच में एकता की भावना, राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और इन समारोह का इस्तेमाल बेसिकली इनके द्वारा किया गया ताकि लोग जो है यहाँ पे एकजुट हो सके, लोगों के अंदर नेशनलाइजेशन बेसिकली नेशनलिज्म यहाँ पे हो, राष्ट्रवादी भावना हो, एकता की भावना हो, आपसी भाईचारे की भावना हो, आपसी सौहार्द हो, प्रेम हो, उसके बाद ये जो है एकजुट होकर अंग्रेजों के अगेंस्ट यहाँ पे लड़े। इसीलिए यहाँ पे कई सारे उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है। पॉलिटिकल वेंचर्स की बात करते हैं, तो इन्होंने 1890 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इन्होंने जब प्लेग फैला पुणे के अंदर, तो बेसिकली इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर, अपने अखबार के माध्यम से उनका विरोध किया और उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे कड़े लेख अपने अखबारों में लिखे, ठीक है। सो ब्रिटिश के जो प्रयास थे इस समय पे, जब प्लेग की महामारी महाराष्ट्र में फैली, तो इन्होंने अपने समाचार पत्रों से उत्तेजक लेख लिखे और लोग इससे प्रभावित भी हुए, जिसके बाद यहाँ पे चापेकर बंधुओं के द्वारा बेसिकली रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट को जून 22 को मार दिया गया, गोली से यहाँ पे मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली तिलक साहब को 18 महीने की जेल की सजा हो गई थी। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए कि बेसिकली इन्होंने राजद्रोह किया है, लोगों को उकसाने का काम इनके द्वारा किया गया, जिसके चलते 18 महीने की सजा जो है तिलक को हो गई, ठीक है। उसके बाद 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया हमारे बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर भी लिखे जाते हैं, जिसमें है केसरी जो मराठी भाषा में था, मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था। 2 किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिसका नाम है गीता रहस्य और आप्टिक होम इन द वेदास, ठीक है। आप्टिक होम इन द वेदास इनके द्वारा 2 किताबें भी लिखी गई हैं। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। सो 27 फरवरी 1931 के अंदर बेसिकली अलाहाबाद के आजाद पार्क में इनका निधन हो गया था। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो है हमारे भारत के यहाँ पे भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और अपनी जान का बलिदान इन्होंने भारत को आजादी दिलवाते हुए बेसिकली आजाद पार्क के अंदर अलाहाबाद में इनको गोली मार दी गई थी, जिसके चलते इनका निधन हो गया था, ठीक है। भगत सिंह के गुरु थे। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली भारत के अंदर इन्होंने सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक इनको माना जाता है। 1921 के अंदर जब भारत के अंदर गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, उस दौरान 15 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये ज्वाइन किया गया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन के समय पे 15 वर्ष के थे और 15 वर्ष की आयु में इन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इन्हें अरेस्ट किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, और मैजिस्ट्रेट ने जब इनसे इनका नाम पूछा तो इनके द्वारा अपना नाम आजाद बताया गया, ठीक है। इनसे जब नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया, और जब इनके पिताजी का नाम पूछा तो इन्होंने स्वतंत्रता बताया, और जब इनसे इनके घर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने अपना घर जेल बताया, ठीक है। सो नाम आजाद, पिताजी का नाम स्वतंत्रता, और घर इनका जेल इनके द्वारा कहा गया मैजिस्ट्रेट के सामने, और तब से ही ये चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। सो तब से ही इनको चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। सो 1925 के अंदर जो काकोरी ट्रेन रोबरी थी, तो उस डकैती के समय पे भी इनका ही योगदान था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली वॉइस रॉय ट्रेन को
भारत के अंदर जो वायसराय की ट्रेन थी उसको उड़ाने के प्रयास में भी बेसिकली चंद्रशेखर आजाद का ही योगदान था। और 1928 के अंदर साइमन कमीशन के विरोध के चलते बेसिकली लाला लाजपत राय की हत्या जो हो गई थी उसका बदला लेने के लिए इन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली से मार दिया गया था इनके द्वारा 1928 के अंदर। सो यहाँ पे बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की इनके द्वारा स्थापना की गई थी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित किया गया था गांधी जी के द्वारा 1922 के अंदर। ठीक है, सो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हीट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, सो हीट इंडेक्स जो है बेसिकली अभी हमारे भारत के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लागू किया जाएगा। करेगा कि ये हीट इंडेक्स ये क्या करेगा, बेसिकली भारत के लोगों को गाइडेंस देगा। ठीक है, सो नॉर्मली जहां पे टेम्परेचर कम रहता है, यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, और जहां पे ह्यूमिडिटी होने की वजह से लोगों के लिए गर्मी असहनीय हो जाती है, ठीक है, वहां पे बेसिकली यहाँ पे हीट इंडेक्स के द्वारा पहले से चेतावनी दी जाएगी कि कितना टेम्परेचर होने वाला है, कितनी गर्मी अभी होने वाली है, वो इस हीट इंडेक्स के द्वारा बेसिकली जारी की जाएगी। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको लागू करेंगे। ठीक है, सो याद रखिएगा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सरल है, आसान है। जैसे नेशनल वेदर सर्विस, नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे अमेरिका के अंदर बेसिकली हीट इंडेक्स को जारी किया जाता है, सेम वे से भारत के अंदर भी इसको जारी किया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये लोगों को टेम्परेचर के बारे में बताने वाला है कि यहाँ पे कितना गर्मी होगी, कितना यहाँ पे असहनीय वेदर जो है होने वाला है, इसके बारे में जानकारी जो है बेसिकली हीट इंडेक्स के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए चार कलर का इंडिकेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा, चार तरीके से हीट इंडेक्स को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें चार कलर का, चार रंगों का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन कलर जो है वो दर्शाएगा कि टेम्परेचर 35 डिग्री से कम रहने वाला है। ठीक है, पीला कलर या येलो कलर दर्शाएगा कि टेम्परेचर जो है 36 से 45 डिग्री के आसपास रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑरेंज कलर दिखाएगा कि टेम्परेचर जो है 46 से 55 डिग्री के बीच में रहने वाला है। उसके बाद रेड कलर यहाँ पे शो करेगा कि हीट इंडेक्स जो है 55 डिग्री से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि इन चार कलरों का इस्तेमाल किया जाएगा हीट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अगला है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बेसिकली ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बेसिकली अब भारत के अंदर दिन रात आप झंडा फहरा सकते हैं अपने घरों के ऊपर। पहले क्या होता था कि शाम से पहले पहले आप जो है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर आप झंडा फहरा सकते थे, पर अब जो है आप दिन हो रात हो किसी भी टाइम आप झंडा फहरा सकते हैं। पहले केवल सनराइज से सनसेट के बीच में ही झंडा फहराया जा सकता था, अब जो है यहाँ पे 24 आवर्स जो है बेसिकली यहाँ पे झंडा फहराया जा सकता है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर। बेसिकली अब जो है आप अपने घरों पे भी भारत का तिरंगा लहरा सकते हैं। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी, और इस जजमेंट में कहा गया था कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, ठीक है, हमारा जो तिरंगा झंडा है उस पे आम नागरिकों का भी अधिकार है कि वो अपने घरों के ऊपर, अपने कार्यालय के ऊपर इस तिरंगे झंडे को 24 घंटे तक बेसिकली आप फहरा सकते हो। ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था 2002 के अंदर। फर्दर अब जो है इसको बेसिकली नेशनल फ्लैग कोड के अंदर शामिल किया गया, और साथ ही साथ यहां पे एक बात और कही गई कि हमारा जो तिरंगा झंडा है पहले केवल और केवल खादी से बना हुआ झंडा ही फहरा सकते थे, अब जो है पॉलिस्टर से बने हुए झंडे को भी हम बेसिकली यहाँ पे फहरा सकते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा पिछले साल हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए थे, जिसमें हर घर तिरंगा योजना जो है, कैंपेन जो है चलाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले साल फहराया गया। आप सभी ने देखा होगा कि सड़कों की किनारे पे तिरंगी लाइट, यहाँ पे तीन रंग की लाइट लगाई हुई है, सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, इनफैक्ट प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर भी तीन रंग की रोशनियों से यहाँ पे तिरंगे के रूप में रोशनी
की गई है। सो हर घर तिरंगा योजना पिछले साल जो है वो चलाई गई थी। तो 75वीं वर्षगांठ के समय पे बेसिकली भारत के अंदर भारतीयों के अंदर भारतीय होने का एहसास दिलाने के लिए तिरंगा बेसिकली हर घर में फहराया जाए, इसीलिए यहाँ पे हर घर तिरंगा बेसिकली यहाँ पे मनाया गया। 13 तारीख से 15 अगस्त के बीच में बेसिकली तिरंगा जो है हम हर घर के ऊपर फहरा सकते थे। बेसिकली ये पिछले साल कैंपेन चलाया गया था आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आर्टिकल 51A किससे संबंधित है कोई बता सकता है? बेसिकली ड्यूटी से संबंधित है, ठीक है। सो यहाँ पे ड्यूटीज है हमारी आर्टिकल 51A के क्लॉज ए में, ये कहता है कि संविधान का बेसिकली हमें यहाँ पे संविधान के अंदर कहा गया है कि हमें अपने राष्ट्रीय आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमें अपने संविधान की, अपने आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशन की, नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कई सारे तिरंगे। सो इनिशियली 1906 के अंदर, ठीक है, सो इनिशियली 1906 के अंदर ये जो वंदे मातरम लिखा हुआ फ्लैग है ये अनऑफिशियल फ्लैग था भारत का, ठीक है। सो 1906 के अंदर सबसे पहले इस अनऑफिशियल फ्लैग का इस्तेमाल किया गया जिसमें वंदे भारत लिखा हुआ था, एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज था, ठीक है। उसके बाद 1907 के अंदर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, तो यहां पे ये सूरज था, ये चांद था और यहां पे बेसिकली बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और बर्लिन कमिटी के द्वारा, ठीक है। सो बर्लिन कमिटी के द्वारा, भिकाजी कामा के द्वारा 1907 में इस झंडे को बेसिकली फहराया गया था 1907 में। अगला जो ध्वज है ये आप देख रहे हैं, ये झंडा बेसिकली होम रूल मूवमेंट के समय पे 1917 में भारत का झंडा था ये, और 1917 में ये भारत का झंडा होम रूल मूवमेंट के टाइम पे फहराया गया। उसके बाद यहाँ पे अनऑफिशियल फ्लैग था जिसे 1921 के अंदर भारत के तिरंगे के रूप में अडॉप्ट किया गया, जिसमें ये चरखा आपको दिखाई दे रहा है, तीन रंग की स्ट्रिप्स यहाँ पे है और बीच में था चरखा। उसके बाद 1931 में यहाँ पे एक और झंडा भारत का तैयार किया गया जिसमें तीन रंग का इस्तेमाल किया गया और इंडियन नेशनल आर्मी का बेसिकली ये झंडा दिया गया था, बीच में चरखा। और 1947 के टाइम पे 1947 में हमारा तिरंगा झंडा बनके तैयार हुआ, ठीक है। सो आज के समय पे हमारा ये तिरंगा झंडा है, बीच में है अशोक चक्र, बेसिकली यहाँ पे व्हील ऑफ लॉ या फिर व्हील ऑफ धर्म भी इस चक्र को कहा जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि ये जो चक्र है ये जन्म मरण का जो प्रॉपर वे से चक्र है उसको दर्शाता है, और जब ये रुक जाता है ये स्टैग्नेशन को दिखाता है, ये रुकाव को दिखाता है। सैफरन कलर का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन कलर यहाँ पे नीचे की साइड में है जो भारत की मिट्टी और यहाँ पे प्लांट्स की लाइफ को दर्शाता है, ग्रीन कलर हमारे झंडे के अंदर, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे ये जो झंडा है नेशनल फ्लैग है यहाँ पे पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पिंगाली वेंकैया के द्वारा बेसिकली भारत का राष्ट्र ध्वज जो है तैयार किया गया। अगली न्यूज है स्वदेश दर्शन स्कीम से, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम अभी लॉन्च नहीं की गई है, पहला तो पॉइंट यही समझ लो, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 2014 के अंदर लॉन्च की गई थी, उसके बाद इसका स्वदेश दर्शन का सेकेंड फेज शुरू होता है, ठीक है। इसके द्वारा बेसिकली इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। सो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना को लॉन्च किया गया और यहाँ पे बेसिकली अभी इसके अंदर कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। और इसके सुधार में क्या किया गया कि पहले तो इसमें कहा गया कि बेसिकली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भारत के अंदर प्रमोट किया जाए, ठीक है। सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भारत के अंदर प्रमोट किया जाए, सो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार जो है हमें अपने भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। सो भारत के अंदर पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जैसे भारत के अंदर बेसिकली जब टूरिज्म टूरिस्ट आते हैं तो उनको लोगों के द्वारा भी यहाँ पे अच्छा बिहेवियर, अच्छा कल्चर और हर तरीके से यहाँ पे अवेलेबिलिटी, चीजों की सुविधा उन्हें मुहैया करवाना एक बढ़िया
कल्चर बेसिकली शो करना। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर विदेशी यात्री आए, और यहाँ पे अभी कुछ समय पहले कर्नाटका के अंदर एक घटना हुई थी कि बेसिकली भारत के अंदर यात्री अपने मोबाइल के द्वारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे भारत के कल्चर की, भारत के यहाँ पे सीनिक ब्यूटी की, बेसिकली अपने मोबाइल में जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट हुई। ठीक है, उनके साथ मारपीट हुई, उनका मोबाइल छीन लिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं भारत को शोभा नहीं देती है, और भारत के अंदर बेसिकली यहाँ पे इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनसे आप कभी भी चाहें तो टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा। तो हमें भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें टूरिज्म भारत के अंदर प्रमोट करना होगा, और हमें ध्यान देना होगा अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अपने मेजर्स इस प्रकार से लें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को मीट करें। ठीक है, साथ ही साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ हमें डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर भी ध्यान देना होगा। भारत के अंदर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के ऊपर हमें फोकस करना होगा। सो अब जो है, पहले केवल और केवल यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर ही, जितने भी ज्यादा यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी होती थी केवल टूरिज्म मिनिस्ट्री ही होती थी। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे कई सारी एजेंसीज के द्वारा बेसिकली प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो पहले केवल टूरिज्म मिनिस्ट्री ही यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती थी। अब जो है जितने प्रोजेक्ट, जितने प्रोग्राम चलाए जाएंगे उसमें स्टेट जो गवर्नमेंट है उनका भी योगदान होगा, वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में सहयोग करेंगे। ठीक है, सो साथ ही साथ ये याद रखिएगा, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये 100% सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। तो 100% अनुदान जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही इस स्कीम को प्रदान किया जाता है। ठीक है, सो 2014 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो भारत में थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का डेवलप किया जाना था इस स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। 100% केंद्र सरकार के द्वारा इसको फंड प्रदान किया जाना था, सीएसआर के द्वारा फंडिंग इसको मिलने वाली थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब जो है स्वदेश दर्शन 2 इसका सेकंड फेज जो है शुरू होता है, और इसके तहत बेसिकली कुछ लूप पॉइंट्स बेसिकली यहां पे देखे गए हैं टूरिज्म के, जिसके चलते मॉडिफाई की गई स्वदेश दर्शन स्कीम। यहां पे कहा गया कि भारत के अंदर टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, और अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसमें टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे अहम रोल प्ले कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की समस्या भारत के अंदर है, उस समस्या से जूझने के लिए, उस समस्या से निपटने के लिए ये जो टूरिज्म सेक्टर है ये अहम रोल प्ले कर सकता है। तो अब जो है टूरिज्म सेक्टर का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो ये है कि दुनिया के अंदर 10वें स्थान पे है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत पूरे विश्व में। ठीक है, सो यहाँ पे 10वें नंबर पे है भारत। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा कि भारत जो है टूरिज्म के मामले में 10वें स्थान पे है। ठीक है, भारत की जीडीपी में 6.8% योगदान है टूरिज्म का, 8% एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होती है टूरिज्म सेक्टर से। ठीक है, सो ये जो 6.8% योगदान भारत की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, ये और आगे बढ़ सकता है, इसमें और ज्यादा संभावनाएं हैं। केवल अब हमें इस पे एफर्ट करने की जरूरत है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, सो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8% एम्प्लॉयमेंट रोजगार इस टूरिज्म सेक्टर से ही भारत के अंदर जनरेट होता है। भारत के अंदर यहाँ पे 40 ऐसी साइट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल की गई हैं। सो याद रखिएगा, कई सारी धरोहर भारत के अंदर ऐसी हैं जहां पे यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं कि भारत के अंदर हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, सो भारत के अंदर हमें जरूरत है कि हम डिजिटल टूरिज्म को प्रमोट करें, साथ ही साथ हम यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करें। रिसेंटली भारत ने जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अपनाई है, ठीक है, भारत के द्वारा जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को अपनाया गया है, इस ड्राफ्ट में कहा गया कि भारत जो है ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल टूरिज्म को भारत जो है प्रमोट करेगा, इसके लिए ये एफर्ट करेगा। सो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, सो यहाँ पे इंडस्ट्री का स्टेटस जो है बेसिकली दिया जाए, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है नई ड्राफ्ट, नई जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है उसके अंदर। ठीक है, सो ये फोकस करेगा ग्रीन डिजिटल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, लोगों को स्किल प्रदान करना टूरिज्म के संबंध में, और जो एमएसएमई
सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना टूरिज्म सेक्टर के अंदर, ये हमारी नई ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी के अंदर शामिल किया गया है। उसके अलावा कौन से अन्य इनिशिएटिव्स हैं भारत सरकार की जिसके तहत कहा गया कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए भारत में, वो है नमस्ते इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया और प्रसाद स्कीम। ठीक है, सो यहाँ पे नमस्ते इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, प्रसाद स्कीम जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनिशिएटिव है भारत सरकार के, जिसके तहत कहा गया है कि भारत के अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, पर्यटन को प्रमोट किया जाए भारत के अंदर, ये सारी पहल भारत सरकार के द्वारा ली गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे स्टार सी इनिशिएटिव। स्टार सी इनिशिएटिव किससे संबंधित है? स्टार सी इनिशिएटिव बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, सो यहाँ पे कोप 15 के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना बेसिकली भारत और फ्रांस के द्वारा मिलके हुई थी। गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। सो यहाँ पे अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सहयोग से और स्टार भारत सरकार के द्वारा बेसिकली स्टार सी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत के बेसिकली जो पैसिफिक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो पैसिफिक आइलैंड नेशन है, छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, गरीब राष्ट्र है, उनमें सोलर एनर्जी को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना इस स्टार सी इनिशिएटिव के माध्यम से। हुआ ये है कि चाइना के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद जो है यहाँ पे बेसिकली इसका इन्वॉल्वमेंट कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा है, जैसा हमने बेसिकली IR के समय पर भी पढ़ा था। ठीक है, IR के टाइम पर भी हमने पढ़ा था कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना की ने अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अपनाया है जिससे वो राष्ट्रों के अंदर लोन देके इन्वेस्टमेंट के जरिए उनकी जो डिपेंडेंसी है अपने ऊपर बढ़ा रहा है, जिससे चाइना का जो है यहां पे प्रभुत्व बढ़ रहा है। और इसको देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया और क्वैड नेशन ने यहां पे बेसिकली प्रयास किया है कि हमें यहां पे चाइना को काउंटर करने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें भी पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर बेसिकली यहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी चाहिए। सो इसी के चलते स्टार सी इनिशिएटिव जो है भारत के द्वारा लिया गया, इसका उद्देश्य है कि ये जो छोटे गरीब राष्ट्र है, पैसिफिक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन के अंदर छोटे छोटे आइलैंड देश है, इनके अंदर हमें सोलर पावर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, सोलर पावर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। इसके लिए हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इन छोटे राष्ट्रों के अंदर सौर ऊर्जा यहां पे जनरेट करेंगे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन छोटे देशों के अंदर। यही है स्टार सी इनिशिएटिव। ठीक है, यही है स्टार सी इनिशिएटिव। एक लाइन में अगर पूछ लिया जाए तो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, मनरेगा स्कीम के आधार पे, ठीक है, जिस प्रकार से मनरेगा स्कीम होती है, सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी भारत के अंदर लॉन्च की गई है। एक मिनट का समय दीजिए भाई, एक मिनट। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की। ठीक है, सो मनरेगा की तर्ज पे भारत के अंदर ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है भारत के अंदर शुरू की गई है। ठीक है, सो जिस प्रकार से भारत के अंदर, भारत के ग्रामीण भारत के अंदर रोजगार की सुविधाएं जो है लोगों को पहुंचाने के लिए मनरेगा स्कीम शुरू की गई है, ग्रामीण भारत को कम से कम 100 दिन का रोजगार जो है सुनिश्चित किया गया है मनरेगा स्कीम के तहत, सेम उसी लाइन पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है यहाँ पे शहरों के अंदर लॉन्च की गई है, सबसे पहले 2011 के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले 2011 के अंदर
केरला के अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है शुरू की गई थी। उसी तर्ज पे राजस्थान में, झारखंड में, उड़ीसा के अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है शुरू की गई है। ठीक है, सो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा की तर्ज पे यहाँ पे शहरों में रोजगार का सृजन करेगी। सबसे पहले केरला में इसे 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके बाद हाल ही में राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के अंदर भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है शहरों के अंदर है 7% और गांव के अंदर ये 4% है। ठीक है, सो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ पे 7% है। ठीक है, सो याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट शहरों के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, 4% है गांव के अंदर। ठीक है, सो याद रखिएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 के अनुसार कहा गया कि शहरों के अंदर रोजगार की जो समस्या है वो ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे गांव के अंदर और शहरों के मुकाबले, गांव के मुकाबले शहरों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे शहरों के अंदर आबादी लगातार बढ़ रही है, आप सभी को पता है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। सो गांव से शहरों की ओर जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है? उन्हें लगता है कि शहरों के अंदर रोजगार की सुविधाएं ज्यादा है, जबकि गांव के अंदर क्या है, गांव के अंदर भले ही रोजगार छोटे हो उन्हें यहाँ पे रोजगार मिल रहे हैं, पर शहरों के अंदर आबादी अधिक है और रोजगार के साधन कम है, इसीलिए शहरों और गांव में बेसिकली ये जो गैप बढ़ रहा है, बेसिकली अब अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अधिक है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इस समस्या से निपटने के लिए शहरों के अंदर बेसिकली ये जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत में अब तक जितनी भी योजनाएं बनाई जाती थी वो ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती थी। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण भारत के अंदर जो बेरोजगारी है उसके चलते यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए ही अधिकांश रोजगार की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती थी। तो प्राथमिकता दी जाती थी गांवों को, और गांव के अंदर जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए सरकारों के द्वारा एफर्ट किए जाते थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सो गांव के अंदर गांव के अंदर होता क्या था, गांव के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि लो वेज, पुअर क्वालिटी की जॉब थी। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वालिटी थी, पुअर क्वालिटी की जॉब, लो वेज और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी होने की वजह से गांव के अंदर ज्यादा फोकस किया जाता था अब तक जितनी भी रोजगार से संबंधित स्कीमें थी। ठीक है, सो अब जो है यहाँ पे बेसिकली ये जो सिचुएशन है शहरों के अंदर और ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है कि गांव के अंदर हमने जिस प्रकार से मनरेगा जैसी स्कीमों के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार देने का प्रयास किया गया, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास जो है यहाँ पे किया गया था। ठीक है, सेम उसी तर्ज पे, उसी लेवल पे शहरों में भी एफर्ट करने की जरूरत है, शहरों के अंदर भी प्रयास करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमने गांव के वर्कफोर्स को कैटर किया उसी उससे हमें भी शहरों के अंदर जो वर्कफोर्स है उसको कैटर करना पड़ेगा, उसे रोजगार देने पड़ेंगे, क्योंकि शहरों के अंदर गांव के मुकाबले महंगाई भी अधिक है, रोजगार के अवसर यहाँ पे कम हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, सो शहरों के अंदर बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, लेबर इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पे किया जाना चाहिए ताकि बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर भी जॉब्स क्रिएट किए जा सके, रोजगार क्रिएट किए जा सके, और माइग्रेशन जो शहरों और गांव के बीच में माइग्रेशन हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, इसलिए गांव के ऊपर भी फोकस किया जाए, गांव के लोग शहरों में ना जाएं, इसके लिए गांव में भी रोजगार हो। और शहरों के अंदर एक तो भीड़ बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं। ठीक है, इस चीज के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है। ठीक है,
आगे यहाँ पे अगला एक बिल है, अभी अभी राज्यसभा ने एक बिल पास किया है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा के अंदर हाल ही में पास किया गया है, ठीक है। सो ये जो बिल है ये बेसिकली पायरेसी को रोकने के लिए है, ठीक है। सो ये जो बिल है पायरेसी को रोकने के लिए है, और 1952 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट था उसके अंदर बेसिकली चेंज करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए भी है, ठीक है। सो 1952 का जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट था उसको अपडेट करने के लिए और पायरेसी को रोकने के लिए यहाँ पे सिनेमेटोग्राफ बिल जो है अभी अभी राज्यसभा से पारित हुआ है, ठीक है। 1952 का जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट था उसके तहत बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की स्थापना इसके तहत जो है की गई थी। इसके तहत ये जो बिल प्रस्तुत किया गया है इसमें क्या चेंज किया गया है, इसमें चेंज किया गया है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फिल्में होती हैं अब इसके विस्तार को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली फिल्मों को कई सारी कैटेगरी में बांटा गया था पहले 1952 के तहत, बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सो अब जो है बेसिकली अनरिजर्व्ड कैटेगरी को एक्सपेंड किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। अब जो है यहाँ पे 3 एज बेस्ड कैटेगरी फर्दर इसको डिवाइड की है, इसको कहेंगे +7 +13 और +16, ठीक है। तो बेसिकली 1952 के एक्ट के द्वारा सबसे पहले यू ग्रेड की फिल्में हुआ करती थी, ठीक है। यू ग्रेड का मतलब क्या है कि इनके ऊपर कोई भी रोक नहीं है, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर वर्ग का आदमी इन फिल्मों को देख सकता है। यूए जो है बेसिकली ऐसी फिल्में हुआ करती थी, यूए ग्रेड ऐसी फिल्मों को दिया जाता था जो बेसिकली यदि माँ बाप यहाँ पे पेरेंट्स के द्वारा गाइडेंस दी गई हो, माँ बाप के द्वारा परमिशन दी गई हो, सो यहाँ पे 12 साल की एज तक के बच्चे ऐसी फिल्मों को यूए फिल्मों को देख सकते थे, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे ए फिल्में जो केवल और केवल एडल्ट के द्वारा देखी जाती थी, सो ऐसी फिल्मों को जो केवल और केवल एडल्ट देख सकते थे उन्हें ए कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बेसिकली डाला जाता था। एक और चौथी कैटेगरी होती थी जिसको एस कैटेगरी की फिल्में कहते थे। तो ये जो एस कैटेगरी की फिल्में होती थी ये केवल कुछ एक क्लास के लोग ही देख सकते थे, केवल कुछ एक लोग ही इन फिल्मों को देख सकते थे, ठीक है। पहले ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता था, पहले ये जो कैटेगराइजेशन किया जाता था, ये केवल और केवल यहाँ पे 10 सालों के लिए दिया जाता था। अब जो कैटेगराइजेशन किया जाएगा, अब जो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा फिल्मों को, वो लाइफ लॉन्ग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेलीविजन और अदर मीडिया की बात करें तो फिल्मों के अलावा अदर मीडिया और टेलीविजन को सेपरेट सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन अलग होते हैं, ठीक है। सो अगला है यहाँ पे याद रखिएगा कि दबी जो सर्टिफिकेशन 10 सालों के लिए दिया जाता था, अब लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगी इस सर्टिफिकेशन की, ठीक है। सो ये जो सर्टिफिकेशन दिया गया है ये बेसिकली यहाँ पे अनधिकृत जो रिकॉर्डिंग होती है फिल्मों की और बेसिकली इलीगल तरीके से फिल्मों को दिखाने के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 6(1) को भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 6(1) को हटाया गया है, तो याद रखिएगा सीबीएफसी के फैसले के खिलाफ यहाँ पे केंद्र सरकार के पुनरीक्षण जो शक्तियां होती है उनसे संबंधित था यह अधिनियम, जिसको अभी अभी यहाँ पे हटा दिया गया है। याद रखिएगा सेक्शन 6(1)(a) को अभी हटाया है। अगर यहाँ पे इसके संबंध में कोई कंप्लेंट मिलेगी, शिकायत मिलेगी, तो वापस से इसको रिवाइव भी किया जा सकता है, केवल इतना सा पॉइंट याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, ठीक है। अगली न्यूज किससे संबंधित है, मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, ये बेसिकली उड़ीसा के अंदर चलाया गया है। मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम जो है क्या है, यहाँ पे 25 ऐसे परिवार है, ठीक है, 25 ऐसे परिवार हैं जिनके द्वारा जो बेसिकली भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा का, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा का, उसके लिए 25 एकड़ भूमि जो है इन 25 परिवारों के द्वारा दान में दी गई है, ठीक है। सो 25 एकड़ भूमि बेसिकली इन 25 परिवारों के द्वारा दान में दी गई है भीतरकनिका नेशनल पार्क के लिए, और ये है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 एकड़ की भूमि मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम के तहत यहाँ पे 25 परिवारों के द्वारा दान में दी गई। उद्देश्य है कि यहाँ पे मैंग्रोव के अंदर बेसिकली हैबिटेशन की वजह से लोगों के यहाँ पे
इस रीजन के अंदर खेती की वजह से और बेसिकली लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में बढ़ गया था हैबिटेट लॉस की वजह से, ये जो मैंग्रोव्स है और यहाँ पे भारत के दूसरे सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम मैंग्रोव्स जो है इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव्स इनको बचाने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये जो भूमि है बेसिकली दान में दी गई है। क्यों? क्योंकि मानव हस्तक्षेप की वजह से, मानव के द्वारा इस एरिया में बेसिकली कंस्ट्रक्शन की वजह से, खेती करने की वजह से इन मैंग्रोव्स का हैबिटेट लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंग्रोव्स की हेल्थ जो है अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, सो इन मैंग्रोव्स के जंगलों के अंदर 82 स्पीशीज मैंग्रोव्स की पाई जाती है, तो याद रखिएगा सुंदरी वृक्ष भी इन मैंग्रोव्स के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सो याद रखिए एग्रीकल्चर साथ ही साथ हैबिटेट लॉस, एक्वा कल्चर के एक्सपेंशन की वजह से, यहां पे मानव हस्तक्षेप होने की वजह से इन 82 जो मैंग्रोव की स्पीशीज यहां पे पाई जाती है उनके अस्तित्व को खतरा था, इन्हें बचाने के लिए बेसिकली यहां पे भूमि दान में दी गई है। मॉनसून के सीजन में यहां पे मैंग्रोव, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वापस से रीजनरेट कर पाए, इसलिए यहाँ पे इस समय पे ये जो भूमि है वो दी गई है। जंगलों की कटाई की वजह से, रीसेटलमेंट की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो लॉसेस हो रहे थे उनकी भरपाई के लिए स्पेशली यहाँ पे 25 एकड़ की भूमि दान में दी गई है। ठीक है, सो याद रखिएगा मैंग्रोव बेसिकली नेचुरल कैलमिटीज से बचाने के लिए भारत के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिए। अगला जो न्यूज है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल है। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एसटीज फिफ्थ अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, क्या है ये, है क्या भाई ये, याद रखिएगा ये बेसिकली ये जो बिल है हाल ही में पास किया गया है राज्यसभा से, पहले लोकसभा से ऑलरेडी इसको अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, सो लोकसभा से ऑलरेडी इसको अप्रूवल मिला हुआ था, अभी रिसेंटली इसे राज्यसभा से अप्रूव किया गया है। ठीक है, सो अभी इसको राज्यसभा से अप्रूव किया है, तो इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 1950 का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 1950 का, इसके द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। क्या चेंज किया है इसके अंदर, इसके अंदर चेंज किया है, कुछ कम्युनिटीज को ऐड किया गया है। ठीक है, सो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, इस लिस्ट के अंदर कुछ शेड्यूल कम्युनिटीज को, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज को, एसटीज की कम्युनिटीज को इस बिल के तहत यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। कौन कौन सी कम्युनिटी है, तो याद रखना उन कम्युनिटीज को भी ऐड किया गया है, और कई बार इन कम्युनिटीज के कई अन्य नाम भी है, तो इनके सिनोनिम्स को भी इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, साथ ही साथ इनके देवनागरी वर्जन को भी लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा बिल के अंदर यहाँ पे जो धनुहर है या फिर धनुवर नाम से जानते हैं, धनुहर, धनुवर, किसान, सनोरा, स्वानरा और बिंजिया कम्युनिटीज को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भुनिया, भुनियान और भुयान कम्युनिटीज को बेसिकली यहाँ पे ये जो कम्युनिटीज के नाम है ये भारिया भूमिया कम्युनिटी का सिनोनिम नाम है, मतलब इनको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे कई बार नहीं होता है कि आपका नाम कुछ और है और आपके आस पड़ोस के लोगों ने उसको डिफॉर्म कर दिया, किसी और नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, सो यहाँ पे कई बार एकता का ए हो जाता है। ठीक है, आजकल तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होने लगी है। ठीक है, सो जैसे वीरेंद्र का वीर हो जाता है, ठीक है, जितेंद्र का जीत हो जाता है। ठीक, सो ये जो छोटे छोटे सिनोनिम्स हो जाते हैं ना, उनको भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, सो भारिया भूमिया कम्युनिटी के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे भूनिया, भूयान, भूयान। ठीक है, सो ये तीन नामों को भी बेसिकली इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देवनागरी वर्जन यहाँ पे पांडो कम्युनिटी को भी बेसिकली इस लिस्ट में शामिल किया गया है संशोधन के द्वारा। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था बेसिकली 1950 का, इसके तहत इसके अंदर चेंज किया गया, अमेंडमेंट इसको किया गया है। पहले लोकसभा ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया था, अब राज्यसभा ने भी इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है, तालिस्मान साबरे नाम की एक्सरसाइज है जो हाल ही में शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के अंदर। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के अंदर इस मिलिट्री एक्सरसाइज को अभी लॉन्च किया गया है। 10वां संस्करण था, 10th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जिसमें 13 देशों ने शिरकत की और इन 13 देशों के द्वारा इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे अपनी अपनी मिलिट्री
मिलिट्री फोर्सेस को स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक्सरसाइज के माध्यम से एक दूसरे के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल हुए 13 देश। ठीक है, सो 13 देश बेसिकली यहाँ पे शामिल हुए, जिसमें यहाँ पे जो मिलिट्री के लगभग 30,000 मिलिट्री पर्सनल इसके अंदर शामिल हुए हैं। 30,000 मिलिट्री पर्सनल इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल हुए और यहाँ पे ये हाई एंड एक्सरसाइज होगी, जहाँ पे सी लेवल, लैंड, एयर, साइबर स्पेस, इन सारी लोकेशंस पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न टेरिटरी में, न्यू साउथ वेल्स के अंदर, नॉर फॉकलैंड आइलैंड के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। ये बात समझ आई सबको? ठीक है, सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। कौन कौन से देश शामिल हुए हैं इसमें? सो इसमें कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यूगिनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस भी इस एक्सरसाइज में कुछ देशों को मिला है, जिसमें भारत, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है ऑब्जर्वर के दर्जे से इस अभ्यास के अंदर शामिल हुए हैं। तो याद रखना है, तालिस्मान साबरे जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली 2005 के अंदर शुरू हुई थी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 2005 के अंदर ये एक्सरसाइज शुरू हुई और 10वां संस्करण हाल ही में बेसिकली इस एक्सरसाइज का हुआ है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली जो न्यूज है, बेसिकली अभी हुआ क्या है इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है, ठीक है, सो नेबरहुड पॉलिसी के ऊपर अभी अभी एक कमिटी बनाई गई थी एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स नाम की एक कमिटी बनाई गई, जिसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट की है इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, सो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके ऊपर हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है इस कमिटी के द्वारा। तो चलिए, क्या कहा इस रिपोर्ट के अंदर, इस पे बात करते हैं। ठीक है, सो ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमने इसके बारे में विस्तार से बात की अपनी आईआर की क्लास में, हम पढ़ चुके हैं कि भारत के अंदर बेसिकली नेबरहुड, अपने पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई गई। सबसे पहले हमने लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी 1990 में, उसके बाद हमने और ज्यादा फोकस किया अपने पड़ोसियों पे, अपने नेबर्स पे, इसीलिए हमने पड़ोसी प्रथम की नीति 2008 अंदर अपनाई, जिसके तहत हमने बेसिकली हर मामले में अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास किया, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे हमारे ट्रेड के रिलेशन हो, चाहे हमारे डिफेंस के रिलेशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो हर तरीके से हमने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास किया। ठीक है, सो यहां पे पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत हमने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के ऊपर बेसिकली इन्हें प्राथमिकता देना शुरू किया अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। ठीक है, सो एक मिनट का समय दीजिए। तो यहाँ पे हमने पड़ोसियों को पहले प्राथमिकता दी, हर क्षेत्र के अंदर हम यहाँ पे एफर्ट बढ़ाना हमने शुरू किया। ठीक है, सो इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर कर रहे हैं और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जिनके साथ बेसिकली हम अपने जिनके अंदर हम अपने पड़ोसियों के साथ बेसिकली इन प्लेटफॉर्म्स को शेयर कर रहे हैं, जैसे सार्क संगठन हो गया, बिम्स्टेक संगठन हो गया, जिसमें बेसिकली हमारे पड़ोसी, ऑलमोस्ट हमारे सारे नेबरहुड कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमने अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करने का साथ किया, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को साथ लेके डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली हमने सहयोग चाहा और एक दूसरे को साथ लेके हमने बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। ठीक है, यही बात थी। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सार्क, बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN
जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, जिसमें पड़ोसियों को साथ लेके हमने डेवलपमेंट में बेसिकली हम आगे बढ़े। सो इन प्लेटफॉर्म्स में बेसिकली हम सारे के सारे जो पड़ोसी हैं वो एक साथ एकजुट होके यहाँ पे काम कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, कनेक्टिविटी एंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी थी, जो हमने उसके लिए टारगेट फिक्स किए थे, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस आए, बेसिकली इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि हम जब अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो नीति है, जब इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो हमारे समक्ष कुछ चैलेंजेस आए। जैसे इन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर ये जो टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या है, बॉर्डर टेररिज्म की समस्या है, इलीगल माइग्रेशन की समस्या है, स्मगलिंग की समस्या है, ड्रग और यहाँ पे वेपन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है, ये जो समस्या है, ये बेसिकली हमारी पड़ोसी प्रथम की जो नीति है उसको फुलफिल नहीं होने दे रही है, उसको हार्नेस नहीं होने दे रही है, और जो उद्देश्य से हमने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बनाया था, वो उद्देश्य, वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये कुछ चैलेंजेस है हमारी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भारत की कुछ नीतियां भी हैं जिसके वजह से हमारी जो पड़ोसी प्रथम की नीति है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। जैसे हमने जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए उनको हम टाइमली पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। सो भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट भारत के द्वारा लागू किए गए, जो इम्प्लीमेंट किए गए, वो टाइम रहते सरकार यहाँ पे बेसिकली सरकार ने पूरे नहीं किए। साथ ही साथ यहाँ पे चाइना जैसे देशों की जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक विजन है, इन सभी को देखते हुए हमारी जो पॉलिसी है वो एफिशिएंट नहीं है यहाँ पे प्रॉपर वे से। लिमिटेड पार्लियामेंट्री एक्सचेंज इन देशों के साथ हमारा होता है, ठीक है। सो नॉर्मली हम अपने पड़ोसियों के साथ, नेबरहुड कंट्रीज के साथ जो हमारे संसदीय आदान प्रदान होता है, पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस होते हैं, वो कम है। साथ ही साथ हमने अपने जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम ध्यान दिया है। हालांकि हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर वो सफिशेंट नहीं है, पूरा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, सो भारत का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, सो बांग्लादेश को यहां से हटा दीजिएगा, ठीक है। सो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये भारत के लिए बेसिकली ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक गेटवे है, ठीक है। सो यहां पे ईस्टर्न कंट्रीज के लिए ये हमारा डोर स्टेप है, एंट्री पॉइंट है, और यहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होगा हमारे बॉर्डरिंग एरियाज में, तो बेसिकली कनेक्टिविटी एंश्योर नहीं हो पाएगी। यही बात कही गई कि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर स्पेशली मैक्सिमम कंट्रीज का ये गेटवे हो सकता है, यहां पे हमारे पड़ोसियों के लिए गेटवे हो सकता है, पर हमारा बॉर्डरिंग एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप नहीं हो सका, इसके चलते भी हमारी पड़ोसी प्रथम की जो नीति है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा, इस कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन दी गई है। कहा गया है कि बेसिकली हमें अपनी पड़ोसी प्रथम की नीति को यदि सक्सेसफुल बनाना है और जो टारगेट फिक्स किए गए हैं उन टारगेट्स को अचीव करना है, तो हमें कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे। पहला तो ये है कि बेसिकली हमें अपने इनिशिएटिव्स को आइडेंटिफाई करना होगा, स्पेसिफिक पहचानना होगा। इसके लिए एक सेल का निर्माण किया जाना चाहिए जो कई सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। सो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेसिकली ये सेल मिलकर काम करे, ये कई सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करेगा हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। जो यहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स है उन इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस करेगी, ठीक है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए बेसिकली सारे की सारी नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा, ताकि टेररिज्म या आतंकवाद जैसी समस्या से निपटा जा सके, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं वो विद इन द टाइम फ्रेम रह के इनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग कमिटीज का गठन किया जाना चाहिए, ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार किए जाने चाहिए, और यहाँ पे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट करना है। तो पहले तो टाइम में रह के
जो टाइम निर्धारित किया गया है कि इतने टाइम तक ये पूरा हो जाएगा, उतने टाइम में ये पूरा होना चाहिए टाइम फ्रेम में। दूसरा, इनको सुपरवाइज करने के लिए कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए, ओवरऑल इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए जिसमें बेसिकली ज्वाइंट प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी के सभी स्टेक होल्डर शामिल हो। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। सो बेसिकली आज के समय पे हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो दोनों पॉलिसियों के बीच में हमें सिनर्जी मेंटेन करनी है, दोनों के बीच में तालमेल बरकरार रखते हुए हमें बेसिकली यहां पे अपने पड़ोसी प्रथम की नीति और पूर्व की ओर देखो को अब हमने चेंज कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। ठीक है, सो यहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में एक बैलेंस करना होगा, एक जो है सिनर्जी तालमेल बिठा के ही हमें आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ हमें बेसिकली नॉर्थ ईस्ट राज्यों के ऊपर ध्यान देना होगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली हमें एफर्ट करने होंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी पड़ोसी प्रथम की नीति है जिससे हम फायदा चाहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट में सहयोगी हो हमारे पड़ोसी और बेसिकली सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हमारे पड़ोसियों के साथ। ठीक है, इसके लिए हमारे कई सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल भी रहे हैं, जैसे हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे ईरान के अंदर हमने चाबार पोर्ट का निर्माण किया है। ठीक है, चाबार पोर्ट है, कलादान प्रोजेक्ट है हमारा, बेसिकली सी रूट के माध्यम से सितवे तक हम बेसिकली जा सकते हैं एंड देन फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर एक्सेस पा सकते हैं। एग्रीमेंट टू यूज चिटगांव पोर्ट, ठीक है, सो चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश का, मंगला पोर्ट बांग्लादेश का, सो यहाँ पे भी हमें एक्सेस मिला हुआ है, तो हमने फिजिकल कनेक्टिविटी एंश्योर की है। ठीक है, सो कई सारे इनिशिएटिव बेसिकली हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं जिससे हम अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी एंश्योर कर रहे हैं। उसके अलावा एनर्जी कनेक्टिविटी, तो हमने कई सारे ग्रिड, ठीक है, ग्रिड इंटरकनेक्शन किए हैं नेपाल के साथ। यहाँ पे बेसिकली आपको पता है नेपाल और भूटान में बिजली उत्पादन होता है जो भारत के अंदर बेसिकली यहाँ पे भारत में सप्लाई भी होती है। ठीक है, सो बिजली की सप्लाई होती है इन देशों से, सो हमने ग्रिड कनेक्टिविटी की है, एनर्जी कनेक्टिविटी एंश्योर की है अपने पड़ोसियों से। तो हमारा ग्रिड कनेक्शन है नेपाल से, भूटान और बांग्लादेश से। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट बांग्लादेश में, मांगदेचू पावर प्रोजेक्ट भूटान के अंदर, इस प्रकार के अन्य कई सारे प्रोजेक्ट जो है हमारे चल रहे हैं हमारे पड़ोसियों के साथ, ताकि हम जो है एक दूसरे के साथ बेसिकली अपनी साझेदारी, अपने समझौतों को आगे बढ़ाए। उसके अलावा हमारे व्यापारिक समझौते भी हैं, व्यापारिक कनेक्टिविटी भी है, ट्रेड कनेक्टिविटी भी है, तो हमने स्पेशल एफर्ट किया है कि स्पेशल मार्केट एक्सेस हमें मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाए जिस देश की जब भी जरूरत हो तो हम उसे फाइनेंशियल सहयोग भी देते हैं। जैसे जब नेपाल के अंदर भूकंप आया तो भारत के द्वारा हर संभव सहायता उसे प्रदान की गई। ठीक है, साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी यहाँ पे सही तरीके से हो, लैंड कस्टम स्टेशन का निर्माण किया गया है बांग्लादेश के अंदर, जैसे श्रीलंका को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता दी है। ठीक है, सो हम फाइनेंशियल सहयोग जो है बेसिकली अपने पड़ोसियों को दे रहे हैं ताकि बेहतर संबंधों को हम बेसिकली बना सके। उसके अलावा हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रदान कर रहे हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा हम अपने पड़ोसियों को सूचनाएं देते हैं, यहाँ पे अर्ली वार्निंग देते हैं सुनामी कहीं आने वाली है, अर्थक्वेक के संबंध में यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी हमारे पास है तो हम अपने पड़ोसियों को देते हैं। ठीक है, सो यदि किसी प्रकार की आपदा आ जाती है हमारे पड़ोसियों के ऊपर तो हम उनके साथ हर पुरजोर सहायता उन्हें देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नेपाल के अंदर भूकंप आया तो हमने सहायता दी, कोविड के सिचुएशन में हमने मालदीव्स के अंदर यहाँ पे बेसिकली एयर बबल के माध्यम से एयर कनेक्टिविटी एंश्योर की और हर संभव सहायता अपने पड़ोसियों को दी। तो याद रखिएगा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो है झारखंड से। बेसिकली झारखंड के द्वारा
एक यहाँ पे बेसिकली पंचायत एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे पंचायत एक्ट के लिए यहाँ पे रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, कंसल्टेशन रूल जो है ड्राफ्ट किए गए हैं। तो है कुछ नहीं, केवल पेसा का वो एक्सटेंड किया है, ठीक है। सो पेसा क्या है, यहाँ पे पंचायत का बेसिकली शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर एक्सटेंशन पेसा कहलाता है। और अभी हाल ही में पेसा के एक्सटेंशन के लिए झारखंड के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से पेसा का एक्सटेंशन किया जाएगा इन शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली पेसा क्या है, पेसा पंचायत का एक्सटेंशन है शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल एरिया शेड्यूल ट्राइब एरिया मेंशन किए गए हैं उनको पंचायत की सुविधा प्रदान करना, उन एरिया तक पंचायत को एक्सटेंड करने के लिए 1996 में पेसा एक्ट जो है पारित किया गया था, जिसके तहत पंचायत के जो प्रावधान है वो इन शेड्यूल एरिया के अंदर भी लागू किए जा सके। भाग 9 के अंदर जो पंचायत है उसे हम फिफ्थ शेड्यूल के अंदर भी लागू कर सके। कुछ एक मॉडिफिकेशन के द्वारा हमने पेसा के माध्यम से पंचायत को बेसिकली यहाँ पे लागू किया है फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली पेसा के माध्यम से हमने स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर किया है कि आप जो है इसके संबंध में रूल बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। सो भारत के अंदर 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें शेड्यूल ट्राइब एरिया है फिफ्थ शेड्यूल के तहत, ठीक है। सो शेड्यूल एरिया है फिफ्थ शेड्यूल के तहत, ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर शेड्यूल एरियाज हैं फिफ्थ शेड्यूल के तहत। इनमें से 8 राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा को छोड़ के बेसिकली पेसा जो रूल्स हैं वो लागू नहीं हुए थे। अब यहाँ पे अभी पेसा रूल्स जो है इनके लिए बनाए गए हैं झारखंड के लिए, अब जो है पेसा का एक्सटेंशन बेसिकली झारखंड के अंदर भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के जो अधिकार है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है पेसा के तहत, और उनके ट्रेडिशनल राइट्स का हनन ना हो इसके लिए स्पेशली पेसा को जो है यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। सो पेसा को बनाया गया था जिसमें ग्राम सभा को अहम रोल दिया गया, ग्राम सभा को इम्पोर्टेंट रोल दिए गए। सो बेसिकली वहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उनके ऊपर ग्राम सभा का ही अधिकार होता है, ठीक है। सो ग्राम सभा का ही अधिकार होता है और ग्राम सभा को मेन रोल का जो है मेन रोल रहा है इन फॉरेस्ट एरिया के अंदर, और ग्राम सभा को स्पेशल अधिकार बेसिकली यहाँ पे दिए गए हैं। यदि कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो पहले ग्राम सभा से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। सो सोशल सेक्टर और लोकल एरियाज के द्वारा बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में अहम रोल रहा है। जो लोकल लोग हैं, जो ग्राम सभा में लोग शामिल हैं, वो सारे यहाँ पे अप्रूवल पहले इनसे लिया जाता है तो ही इन्वेस्टमेंट होती है इन एरियाज के अंदर, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके जो स्पेशली ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको हम सुरक्षा प्रदान कर सके, एक स्पेशल कल्चर होता है, एक डिफरेंट कल्चर इनका होता है, उसको हम मेंटेन कर सके, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ग्राम सभा को ही एक्सक्लूसिव पावर दी गई है ताकि ये पहचान सके कि कौन बेनिफिशियरी है, किसको कितना अधिकार इनको देना है। सो लैंड एक्विजिशन यदि इन एरियाज के अंदर करनी है तो पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। वो अगर माइनर वाटर बॉडीज को मैनेज करना है, इनसे आपको कुछ बेसिकली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, माइनर मिनरल से कुछ यहाँ पे आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ बेसिकली सहयोग चाहिए, आपको यूज करना है ये, तो पहले सारी की सारी परमिशन ग्राम सभा से आपको लेनी होगी, उसके बाद ही आप लोगों को एक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे पावर बेसिकली ग्राम सभा के पास ही है, तो यहाँ पे जितने भी माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, जितने भी यहाँ पे गांव के अंदर मार्केट होती है, लैंड एलिनिएशन होता है, सो ये सारी की सारी संबंध में पावर केवल और केवल ग्राम सभा के पास होती है। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। सो पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी तो ही आप जो है यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो पेसा के तहत भी यहाँ पे बेसिकली ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है ताकि इनके ट्रेडिशनल राइट्स का हनन ना हो।
बेसिकली ये अपने कल्चर को मेंटेन कर सके, अपनी जो यूनिकनेस है उसको ना लूज करे, इसके लिए यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्हीं को पावर दी गई है, उन्हीं को यहाँ पे एम्पावर किया गया है इनके अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। मेन रोल ग्राम सभा को ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो बिल है वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल। एक मिनट भाई, चलिए अगली न्यूज के बारे में पढ़ते हैं। एक बिल है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, 2023 का ये बिल है। हाल ही में बेसिकली यहाँ पे ये बिल जो है पास हुआ है लोकसभा से। ठीक है, सो बेसिकली ये बिल है क्या, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का। इसके अंदर बेसिकली कुछ चेंजेस इसके द्वारा किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर किए गए हैं। ठीक है, और जिसको अभी अभी लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, पास किया गया। ठीक है, लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, पास इसको किया गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, भारत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेटिव सहकारी समितियां वे होती है जो वॉलेंट्री डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बेसिकली कुछ सदस्यों के द्वारा, यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हीं के सदस्य के द्वारा मैनेज की जाती है। ठीक है, सो उनके जो सदस्य हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरी बेसिस पे काम करती है और उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज का निर्माण कौन करेगा, इसके अपने सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन की ये जो सदस्य है कंप्लीट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी यही होती है। ठीक है, सो आजादी के बाद हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे उसमें कहा गया कि बेसिकली हमें कोऑपरेटिव्स के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए अगर हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर इन कोऑपरेटिव्स का अहम रोल हो सकता है, इसीलिए पहले 5 ईयर प्लान के ऊपर के अंदर बेसिकली स्पेशल फोकस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर किया गया था। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बेसिकली भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर भी है, भारत में डीपीएसपी के अंदर यहाँ पे आर्टिकल 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मेंशन किया गया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, सो वॉलंटरी फॉर्मेशन है, ऑटोनोमस फंक्शन इनके द्वारा किया जाता है, इनके जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ही इसको मैनेज किया जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन्हीं के द्वारा होती है। ठीक है, पर यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट होती है, एक ज्यादा स्टेट से ज्यादा राज्यों के अंदर यदि ये सोसाइटी काम करती है तो इनको हम कहते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो एक से ज्यादा राज्यों में यदि काम ये कर रही है तो इनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। उदाहरण के लिए FPO, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली यहाँ पे कई राज्यों के जो किसान होते हैं उनसे यहाँ पे बेसिकली जो अनाज है उसको खरीदते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे FPO उदाहरण हुआ, जो एक राज्य से ज्यादा राज्यों के अंदर ये जो सोसाइटीज काम करती हैं उनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, सो इसके द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो बेसिकली इसके सदस्यों के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भाग 9B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो मतलब है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई, वो मतलब है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है। ठीक है, सो यहां पे जो सोसाइटीज हैं वो सोसाइटी बेसिकली मल्टी स्टेट है, कई सारे राज्यों के अंदर काम कर रही है, ऐसी सोसाइटीज को यहां पे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान के भाग 9B के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, सो इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कई सारे राज्यों के अंदर है। सो ये कई सारे राज्यों के अंदर यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है,
सो बेसिकली यहाँ पे इनके अंदर कुछ कमियां भी है, इनकी एक्टिविटीज में कुछ कमियों को देखते हुए अभी हाल ही में एक बिल जो है पारित किया गया, क्योंकि इसके सदस्यों के द्वारा ही इसको मैनेज किया जाता है। इन संस्थाओं के जो सदस्य हैं वो ही यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए इनएडिक्वेट गवर्नेंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फंक्शन के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा, बेसिकली यहाँ पे कोई भी जो एक्टिव मेंबरशिप है वो प्रॉपर वे से इनके अंदर नहीं है कि यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव सही समय पे हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार का, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से कंपीटेंट प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे लैक ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। संस्था तो बना ली, ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, पर उसमें बेसिकली कि यहाँ पे पूंजी निर्माण के प्रयासों का अभाव होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो बेसिकली एफिशिएंट प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी बेसिकली यहाँ पे इन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एफिशिएंट तरीके से काम करने में इनको सही तरीके से उठा नहीं पाते हैं। सो सक्षम पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थ होती हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ये कोऑपरेटिव बोर्ड्स होते हैं यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम टाइम पे मेंबर्स के लिए इलेक्शन करवाया जाए, बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किया जाए, पर इनके जो चुनाव है वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेसिकली कोऑपरेटिव बोर्ड्स के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पेंडिंग पड़े रहते हैं, मतलब सदस्यों का चुनाव नहीं है, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कंपीटेंट जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनको ये बेसिकली अपनी संस्था में लाने में असक्षम हो रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तरीके से काम करेगी कैसे। ठीक है, सारी तो सारी की सारी चीजें तो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो यह काम कर ही नहीं पाती है, इसीलिए अब इस बिल के माध्यम से कुछ इसमें चेंज किए गए हैं। तो पहला तो यही कहा गया है कि हमें पहले तो बोर्ड के सदस्यों का चुनाव सही टाइम पे करना होगा। ठीक है, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इस बिल के तहत कहा गया कि पहले तो आप सदस्यों का इलेक्शन करवाइए सही टाइम पे। ठीक है, सो यहाँ पे इस एक्ट के तहत कहा गया कि आप इलेक्शन करवाओगे बोर्ड के, तो अब इसका यहाँ पे बेसिकली जो चुनाव है, इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि इलेक्शन जो है बोर्ड का वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है उसी के ही द्वारा। ठीक है, सो अधिनियम के तहत यहाँ पे बोर्ड के चुनाव उसके मौजूदा बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोर्ड है उसी के द्वारा ही यहाँ पे चुनाव करवाया जाएगा, मतलब टाइमली इलेक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, सो अब जो है यहाँ पे बेसिकली टाइमली पहली प्राथमिकता जो है इस बिल की वो ये है कि सदस्यों का चुनाव हो और टाइमली इलेक्शन हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि बेसिकली जब चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके लिए एक अथॉरिटी का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसको कहा गया कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बेसिकली बनाई जाएगी जो यहाँ पे प्रॉपर वे से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में चुनाव करवाएगी, इलेक्शन करवाएगी। ठीक है, अथॉरिटी के अंदर होगा कौन कौन, यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, सो बोर्ड के सदस्यों में से चेयरपर्सन होंगे, साथ ही वाइस चेयरपर्सन होंगे और तीन अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, बेसिकली सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पे। ठीक है, सो स्पेशल कलेक्शन के स्पेशल जो सिलेक्शन होती है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे ही बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो अथॉरिटी है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, इसका चुनाव किया जाएगा, इसका अपॉइंटमेंट होगा। कौन कौन सदस्य हैं, चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, तीन अन्य सदस्य होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और किसकी रिकमेंडेशन पे, बेसिकली सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेसिकली यहाँ पे सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, सो एक्ट यहाँ पे प्रॉपर वे से एमलगमेशन करेगा किस किस के अंदर, यहाँ पे बेसिकली एक्ट यहाँ पे
ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे एमलगमेशन हो, डिवीजन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ पे एक बेसिकली रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात समझनी है, ज्यादा इसमें घुसना नहीं है कि जितना यहाँ पे बेसिकली वोटिंग उसका होगा, उसका 2/3 सदस्यों की वोट जिस भी पर्सन को मिलेगी वो यहाँ पे जीतेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मर्जर भी होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लाभ उसको नहीं हो रहा है, पर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, लाभ उसको हो रहा है। ठीक है, सो ये जो लाभ कमाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो बीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो काम नहीं कर रही है, इसको लाभ नहीं हो रहा है, ये इसको फायदा पहुंचाने के लिए इसको फाइनेंशियल हेल्प करेगी। ठीक है, और या ये भी हो सकता है कि ये जो नुकसान में चल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये जो फायदे में चल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको मर्ज भी कर दिया जाए। ठीक है, सो यहां पे मर्जर भी हो सकता है, यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई सही तरीके से काम नहीं कर रही है, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस दिशा के अंदर बेसिकली दो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यदि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सदस्य शामिल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग के आधार पे ही डिसीजन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, एंड इस बिल के तहत कहा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और बेसिकली इसके लिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिसको कहेंगे कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। ये फंड क्या करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लाभ में नहीं है, सिक है, यहाँ पे अपने यहाँ पे फायदे में नहीं जा रही है, लॉस में जा रही है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिहैबिलिटेट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया जाएगा इस फंड के द्वारा। ये जो फंड है, ठीक है, सो इस फंड को बेसिकली यहाँ पे जो फायदे में चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 3 साल से फायदे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस फंड के अंदर अनुदान देंगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, पहली बात, जो लॉस मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्हें रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इसके लिए एक फंड का निर्माण किया गया है, कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड। इस फंड को ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी अनुदान देंगी जो पिछले 3 सालों से फायदे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, वो यहाँ पे इनको अनुदान देंगी, और ये फंड लॉस मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडिंग का काम करने वाला है। ठीक है, साथ में यहाँ पे बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग के ऊपर। ठीक है, सो जो एक्ट है यहाँ पे कहता है कि बेसिकली जब भी, ठीक है, सो यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिडीम किया जाएगा, ये बाय लॉस जो होंगे सोसाइटी के उन्हीं के आधार पे ही किया जा सकता है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिडीम यदि करना होगा तो यहाँ पे पहले इनकी किनका प्रायर अप्रूवल भी लेना होगा। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली इंक्वायरी और एडजुडिकेशन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर किसी भी प्रकार की इररेगुलरिटी हो रही है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर वे से यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो उसका ओवरऑल इंक्वायरी करना, उसका प्रॉपर वे से मॉनिटरिंग करना इस ओम्बड्समैन का काम होगा। तो इंक्वायरी जब भी किसी शिकायत के ऊपर होगी तो इसको 3 महीने के अंदर अंदर उसकी कंप्लीट जानकारी पे बेसिकली इकट्ठा करनी होगी, इंक्वायरी करनी होगी और कारण ढूंढने होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिले यहां पे हो रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज याद रखिए। और ओम्बड्समैन के अगेंस्ट भी यदि कोई कंप्लेंट आती है तो वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्टर हो सकती है और सेंट्रल रजिस्ट्रार यहां पे 1 महीने के अंदर अंदर यहां पे एक्शन लेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी घाटे में चल रही है उनको एफिशिएंट बनाना, इसके लिए जो इलेक्शन इनके बोर्ड्स के अंदर पेंडिंग पड़े रहते हैं इसको रेगुलर इलेक्शन यहाँ पे करवाना, और बेसिकली जिस उद्देश्य से कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम।
वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्या है, रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर पहला इंडियन सिटी है बेसिकली बेंगलुरु जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बेंगलुरु जो है पहला शहर है भारत का जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बना है, ठीक है, पहला भारतीय शहर है, ठीक है जी। सो अब जो है यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम जो है 2012 के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है, जस्टिन साइमन ओबी के द्वारा, लंदन डेप्यूटी मेयर थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। सो कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के डेप्यूटी मेयर थे लंदन के अंदर जस्टिन साइमन ओबी, जिनके द्वारा 2012 के अंदर इस वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम की स्थापना की गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये है ग्लोबल नेटवर्क शहरों का जो रिसर्च एंड इंटेलिजेंस बेसिकली शेयर करता है कि कल्चर को डेवलप करना किया जाए आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए एक्सप्लोर करता है, रिसर्च और इंटेलिजेंस यहाँ पे साझा करता है शहरों के इस नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। इसमें 6 कॉन्टिनेंट के 40 शहर शामिल हैं, ठीक है, 6 कॉन्टिनेंट के 40 शहर यहाँ पे शामिल है। और ये जो वर्ल्ड कल्चर समिट होती है ये रोटेटिंग बेसिस पे होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्टनर्स है, सिटी पार्टनर्स है, उनके रोटेशन के बेसिस पे बेसिकली समिट को यहाँ पे होस्ट जो है किया जाता है। शहरों के जो लीडर्स होते हैं वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज को साझा करते हैं और बेसिकली यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी वर्ल्ड सिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ जानकारी जो है यहाँ पे साझा की जाती है, ठीक है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु जो है बेसिकली पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था, मेगा सिटी है बेंगलोर, उसके अलावा सदर्न स्टेट है कर्नाटका का, ठीक है। सो यहाँ पे सदर्न, यहाँ पे कैपिटल है सदर्न स्टेट कर्नाटका का, साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है भारत का, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है भारत का। उसके अलावा याद रखिएगा कि बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन थी 1950 में और आज 2023 में 16 मिलियन पॉपुलेशन है बेंगलुरु की, ठीक है। सो कॉमनली इसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत का आईटी के क्षेत्र में मैक्सिमम एक्सपोर्टर जो है बेंगलोर से होता है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है आईटी के क्षेत्र में बेसिकली बेंगलोर से होता है, इसीलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली बेंगलोर के अंदर 30 गवर्नमेंट और प्राइवेट म्यूजियम है, ठीक है। सो जो इस शहर के इतिहास, आर्ट और कल्चर को दर्शाते हैं, ठीक है। सो बेंगलोर के रिच हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को बेसिकली कई सारे म्यूजियम के माध्यम से शो किया जाता है। तो 30 के आसपास गवर्नमेंट और प्राइवेट म्यूजियम जो है वो बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। भारत का साउथ इंडिया का जो पहला मेजर प्राइवेट म्यूजियम है वो भी बेंगलोर के अंदर ही है, जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी, जो इसी साल 2023 के अंदर ओपन हुआ है, ठीक है। सो जो इसी साल 2023 के अंदर ओपन हुआ है। उसके अलावा याद रखिएगा बेंगलुरु जो है बेसिकली यहाँ पे रेयर सिटी है भारत का। बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का जो हिंदुस्तानी कल्चर है और साउथ इंडिया का जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक है वो बेसिकली यहाँ पे इसी शहर के अंदर देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हिंदुस्तानी और कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक जो है बेसिकली इनका एक डिस्टिंक्ट मिक्सचर हमें बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी बेंगलुरु को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे कई सारे ग्रीन स्पेसेस है, जैसे नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोटेनिकल गार्डन लाल बाग और क्यूबन पार्क, बेसिकली यहाँ पे ग्रीन लंग्स इसको कहते हैं बेंगलोर का, ठीक है। सो ग्रीन लंग्स जो है इसे बेंगलोर का कहा जाता है। भाई इतनी सी क्लास मुझे डिस्कस करनी है, सो देयर इज सम इशू इन माय थ्रोट, ठीक है। सो मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो रेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं यहीं पे, ठीक है। तो अगली जो न्यूज़ है हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो बाकी जो बच गई है न्यूज़ हम अगली क्लास में ही उसको चर्चा कर लेंगे या फिर स्पेशल के प्लेटफॉर्म पे हम उसके डिस्कशन कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन ये है कि सीसैट
सैट का एक बैच हमारा आ रहा है, योगेश सर का ये बैच रहेगा, ठीक है। सो सी सैट का बैच है, योगेश सर का बैच है ये, 1 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो 1 अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू होंगी और एडमिशन इसके ओपन हो चुके हैं, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। सर के द्वारा 100 आवर्स तय किए गए हैं मैथ्स के लिए, 60 आवर्स तय किए गए हैं रीजनिंग के लिए, 40 आवर्स डिसाइड किए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है। सो याद रखिएगा एडमिशन ओपन है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फेस टू फेस डिस्कशन के द्वारा आप लोगों के डाउट सॉल्व किए जाएंगे प्रॉपर वे से, जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। सो 200 घंटे का समय जो है निर्धारित किया गया है, इस 200 घंटे के अंदर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो है सर के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस जो है सर के द्वारा आप लोगों को करवाया जाएगा। सो बने रहिएगा क्लास में, नॉलेज बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी प्रॉपर वे से, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा तो ही आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। सो फुल सिलेबस कवर करवाएंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। सो सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। एडमिशन कैसे लेना है, योगेश कुमार शर्मा यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, CSAT का ये बैच है, ज्वाइन बैच पे क्लिक कीजिए, फीस सबमिट कीजिए एंड देन आप 1 तारीख से अपनी क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखिएगा कि अगर कोई डाउट कोई सवाल है तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे UPSC Reena_Mehla, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मुझसे कोई भी फर्दर क्वेश्चन कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर